Спасибо. Thank okay.

देपार, 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 देपार हाँ जी स्टार्ट करें आवाज आ रहा है मेरा यस सर ऑडेबल यस सर यू आर ऑडेबल ओके मैं रेडी हूं ओके okay, आप लोग स्टार्ट करेंगे पहले क्या करना है अनुराग आप म्यूट हो अनुराग Uh, excuse me, sir. Maybe start with the intro. Yes, yes. Milkul. Okay. Uh, a very hearty good morning to respected CA Jay Chavla, sir, and all my CA buddies. I am Riddhi Jain, Secretary of Vikasa Amravati, and feel honour to introduce Jay Chavla, sir, a famous CA faculty for FR and advanced accountancy. With over 13 years of teaching experience, Sir has mentored over 1 lakh students. did we start the session, sir? Jay okay, sir, and all my CA buddies. I am Prati Jain, Secretary of Vikasa Amravati, and feel honored to introduce Jay Jabla sir, a famous CA faculty for FR and advanced accountants. With over 13 years of teaching experience, Sir has mentored over 1 lakh students at the CA Inter and CA Final levels, specializing in accounting and financial reporting and offering comprehensive knowledge and practical insights. Sir Jay Chavla Sir has All India ranked 27th in CA examination. Also, he is an excellent teacher, eloquent orator, and India's counselor. Indeed, Sir's classes have proven to be of great value to many. His energy and teaching style is always spoken of. He is okay. also a member of the guest faculty of ICI events and seminars. Also, his awards are endless. He was awarded an IFRS ICI certificate in 2015 and a diploma at Information System Audit in 2016. I hope that all of the students in the presence of Jay Chavla, sir, find this session to be very beneficial. Regards, sir, we really appreciate your efforts and taking the time to help the students with the super question series. Thank you. Over to you, sir. Thank you so much, Ridhi And uh, thank you so much, entire uh, all the branches of ICI, for inviting me for this particular session. thanks a lot and uh, thank you so much students uh for joining this session somebody saying no voice mera voice clear hai ki nahi yes sir your voice is clear okay so i would like to give my regards and thanks once again to everyone uh isi ke sath hum सेशन शुरू करते हैं राइट सेशन क्या है session के बारे में हम पहले से समझते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं सो so, आज जितनी भी देर के लिए हम मिले हैं तीन से चार घंटे हम आज बिताएंगे साथ में बच्चा और उस तीन से चार घंटों में मैं आपको अभी मे ट्वेंटी फोर के लिए जो अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उन इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने के साथ साथ उनके सुपर क्वेश्चंस करवाऊंगा आप उसको सुपर क्वेश्चंस बोलो उसको मास्टर प्रॉब्लम्स बोलो मास्टर क्वेश्चंस बोलो वन इन द सेम थिंग सो सबसे पहले तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर शीट है सुपर क्वेश्चंस की मास्टर प्रॉब्लम्स की ये आपको प्रोवाइड की गई होगी और uh, अगर uh, नहीं मिली है तो आप रिस्पेक्टिव ब्रांच कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांटेक्ट uh, कर सकते हो उनके उनको कांटेक्ट करके आप उनसे ले सकते हो सो so, ये एक शीट है सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम आज के सेशन में क्या क्या कहां कहां कहा से करने वाले हैं सबसे पहले ये वाली शीट है इस शीट के अंदर हर एक टॉपिक के मास्टर क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं मास्टर क्वेश्चन क्या होते हैं मास्टर क्वेश्चन मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे अगर ऐसा होता मुझे पता होता कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं तो मैं डेफिनेटली सिर्फ वही पंद्रह बीस क्वेश्चन देता तो उससे काम चल जाता बट ये वाली बात है कि ये क्वेश्चन question, ऐसे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन को अगर आप करके जाओगे तो आपके उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के जिन जिन टॉपिक्स के आप ये क्वेश्चन करके जाओगे उन टॉपिक्स के आपके सारे एडजस्टमेंट्स एक बार में कवर हो जाएंगे और कम समय में सब कुछ कवर हो जाएगा बस इतनी सी बात है तो कम समय में अगर आपको सब कुछ कवर करना है तो आपको ये क्वेश्चंस मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको मिनिमम करने चाहिए क्या आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करने चाहिए इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए नहीं ऐसा नहीं है अगर आपके पास समय मिले तो आप बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करिएगा तो एक तो ये शीट है ठीक है इसके अलावा दूसरी शीट क्या आपको मिलने वाली है दूसरी शीट जो आपको मिलने वाली है वो आपको, मैं आपको उन के ये जो नोट्स हैं वो भी आपको मिले होंगे ये चार्ट्स के नोट्स आपको मिले होंगे ठीक है ना दो, दो चीजें तीसरी चीज आपको क्या मिली होगी तीसरी चीज आपको ये एमसीक्यूज मिले होंगे एमसीक्यूज एमसीक्यूज में क्या क्या है एमसीक्यूज में एक तो आपको सबको पता है आईसीएआई के बीओएस पोर्टल जो बीओएस ऐप है उसके अंदर ICAI के एमसीक्यूज होते हैं तो बीओएस पोर्टल के क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा मैंने कुछ एमसीक्यूज खुद सेट किए हुए हैं मैंने और मेरी टीम ने हमने कुछ सेट किए हुए तो ये ट्वेंटी सेवन पेजेस का मतलब सॉरी फोर्टी पेजेस का ये एमसीक्यूज वाला आपको मिला होगा तो हम आज के दिन करने क्या वाले हैं तो ध्यान से पहले सुन लीजिए हमारा जो आज का टारगेट है वो टारगेट ये है लेट्स सी वो टारगेट फुलफिल हो पाता है कि नहीं तीन से चार घंटों में हमारा टारगेट है ए एस टू ए एस सेवन ए एस सेवेंटीन ए एस ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन ये जितने भी टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स का मैं आपको एक क्विक रिविजन दूंगा क्विक रिविजन दूंगा फिर मैं इसके आपको मास्टर प्रॉब्लम करवाऊंगा और अगर समय मिल पाया तो कुछ कुछ एमसीक्यूज कर पाएंगे हम पर अगर एमसीक्यूज अगर मान लो हमारे रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है क्विक रिविजन और मास्टर प्रॉब्लम्स एमसीक्यू का शीट मैंने आपके साथ ये शेयर किया हुआ है आप इनको खुद भी अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो अगर समय मिला तो आपने लिए बाकी आप क्यों नहीं ले रहे हो उसके दो रीजन है, ये जो है ये मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे लोग इन स्टैंडर्ड्स पे थोड़ा सा आइदर ध्यान कम देते हैं जैसे ए एस ट्वेंटी नाइन थ्योरी स्टैंडर्ड है ठीक है ए एस ट्वेंटी टू टफ लगता है कुछ बच्चे छोड़ के जाते हैं टैक्सेस वाला ए एस ट्वेंटी फाइव नया स्टैंडर्ड है पर वो थ्योरी वाला है अगेन तो आइर कुछ बच्चे इस पर कम ध्यान देते हैं या फिर कुछ बच्चों को कुछ स्टैंडर्ड्स टफ लगते हैं ठीक है और आने के चांसेस तो हैं ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब ये स्टैंडर्ड्स नहीं आ सकते बहुत बड़े चांसेस है कि दूसरी बात इन स्टैंडर्ड्स के अलावा बाकी स्टैंडर्ड्स का मैं रिवीजन अलग अलग जगह जगह पर बाकी आईसीआई के इवेंट्स uh, में मैं ले चुका हूं तो उनके रिस्पेक्टिव आप बाद में देख सकते हो रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे आप देख सकते हो तो इसका कोई वो दिक्कत नहीं है तो ये वाले स्टैंडर्ड्स आज हम कवर करने वाले हैं रिगार्डिंग क्विक रिविजन एंड मास्टर प्रॉब्लम तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो रहेगा ए एस टू इन्वेंट्रीज ए एस टू इन्वेंट्रीज ठीक है आई होप आप सबके पास चार्ट्स होंगे और उन चार्ट्स का बहुत ज्यादा अच्छे से आप उपयोग करेंगे क्योंकि मैंने ये चार्ट्स आपको ओपनली प्रोवाइड किए हैं चलिए शुरू करते हैं ए एस टू ए एस टू ए एस टू का हम एक, एक रिविजन करने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग ए आ, इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या है इन्वेंट्री एक असेट है हाँ जी इन्वेंट्री एक असेट है आपने उसको बैलेंस शीट साइड में लिखा हुआ देखा होगा तो इन्वेंट्री क्या है इन्वेंट्री एक असेट है जो तीन में से कोई भी जगह पर आ जाए तीन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर ले पहला हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मुझे एक बात बताओ ये जो मेरा आईपैड है क्या मेरे लिए इन्वेंट्री है नहीं क्योंकि मैं इसको सेल थोड़ी कर रहा हूँ ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं इसको ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेल थोड़ी कर रहा हूं मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ अपने और अगर मान लो ये पुराना हो गया और मैं इसको बेच भी डालू मैं इसको बेच भी डालू तो भी मेरे लिए ये इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि मैं इसको बेच रहा हूं तो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं बेच रहा हूं हाँ पर यही मैं बोलूं कि मेरी जो बुक्स हैं मैं उनको सेल करता रहता हूं तो वो मेरे लिए इन्वेंट्री है क्योंकि मैं उनको सेल करता रहता हूं अपने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री क्या है एक असेट है जिसको आप ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हो या तो फिर वो आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में अभी बनी हुई है ना ही वो फिनिश गुड्स हुई है ना ही वो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है मतलब वो डब्ल्यू के फॉर्म में है तो डब्ल्यू आपका इन्वेंट्री है और तीसरा 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 जो हुआ कि वो आपका अगर आपके पास अभी मटेरियल है सप्लाईज है जिसको आप कंज्यूम करोगे जिसको आप कंज्यूम करोगे कंज्यूम्ड किस में कंज्यूम करोगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में कंज्यूम करोगे या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में आप उसको कंज्यूम करोगे रेंडरिंग ऑफ सर्विस में कैसे कंज्यूम करेंगे सर्विस रेंडर करते वक्त मान लीजिए मेरे पास कोई मटेरियल है जिसको मैं अपने में करता हूं। जैसे एक लॉयर एक कंसल्टेंट एक चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस उसके पास इन्वेंट्री होता है जब वो ऑडिट रिपोर्ट देता है तो ऑडिट रिपोर्ट के लिए जो अपना वो स्टेशनरी यूज करता है ए फोर साइज के पेपर यूज करता है तो वो उसके लिए क्या होता है वो उसके लिए रॉ मटेरियल तो है वो अपनी सर्विसेज

दूसरा नॉन एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पर एस टू एप्लीकेबल नहीं है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ए एस टू एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए ए एस सेवन लगता है उसके बाद डब्ल्यू आईपी फॉर सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे इनकम्लीट अब जैसे छह महीने क्या मेरे लिए इनकम्प्लीट सर्विस है? हाँ है पर क्या इनकम्लीट सर्विस इन्वेंट्री मान लू नहीं इनकम्प्लीट सर्विस को इनकम्प्लीट वो नहीं मानते क्या नहीं मानते अपन इन्वेंट्री नहीं मानते उसके बाद शेयर डिवेंचर्स अदर सिक्योरिटीज इवन दो आप उनको नॉर्मली ट्रेडिंग एक्टिविटी में कर रहे हो मतलब मान लीजिए मेरा रोज का काम है शेयर्स में ट्रेडिंग करना मैं एज अ शेयर्स को स्टॉक्स को डिवेंचर्स को एज अ स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहा हूं इवन दो आप उसको स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हो आप उसको रोज की रोज का काम है आपका तो भी आप उसको अपने केस में इन्वेंट्री नहीं मानोगे इनके ऊपर सेपरेट अकाउंटिंग फॉलो होती है एएस एस टू फॉलो नहीं होता इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट लाइफ स्टॉक लाइव स्टॉक मतलब बायोलॉजिकल असेट्स बायोलॉजिकल असेट करके वर्ड आपने ए एस टेन में भी सुना होगा बायोलॉजिकल असेट्स मतलब एनिमल्स जो आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज uh, होते हैं तो लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो यूज होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन सबको आप इन्वेंट्री की डेफिनेशन में नहीं लेते हो आप इनको मेजर करते हो एनआरवी पे सिर्फ तो ये हो गया आपका नॉन एप्लीकेबिलिटी फिर मेन पॉइंट जो हम सबको एस टू के अंदर इन्वेंट्री को हम कैसे मेजर करते हैं बैलेंस शीट डेट पर इन्वेंट्री को मेजर करते हैं लोअर ऑफ लोअर ऑफ क्या लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी अब कॉस्ट में क्या क्या आता है कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती हैं कॉस्ट के अंदर तीन चीजें आती हैं पहला परचेज कॉस्ट आपने कितने में परचेज किया परचेज कॉस्ट के अंदर क्या क्या आप ऐड करोगे भाई आपका जो भी इनवॉइस प्राइस है उसमें आपको जो भी ट्रेड डिस्काउंट मिला वो माइनस कर दो जो भी आपको रिबेट और इंसेंटिव मिला वो माइनस कर दो अगर उसमें आपको कुछ टैक्सेस कलेक्ट किए गए हैं तो वो टैक्सेस को आप एड करोगे बट अगर आपको टैक्सेस रिफंड होने वाले हैं या फिर आपको उसका इनपुट इनपुट क्रेडिट मिलने वाला है तो आप परचेज में एड नहीं करोगे तो परचेज कॉस्ट में आ जाएगा परचेज प्राइस माइनस डिस्काउंट प्लस नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस इसके अलावा दूसरा क्या आता है कन्वर्जन कॉस्ट सेकेंड चीज आती है कन्वर्जन कॉस्ट और थर्ड चीज आती है अदर कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारा खर्चा होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आप लेबर का कॉस्ट बियर करते हो आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेयर करते हो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटा वैसे तो ना ओवरहेड्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड्स एक होते हैं जनरल ओवरहेड्स ठीक है ना ये सारे होते हैं पर इन्वेंट्री की कॉस्ट में सिर्फ जनरल uh, uh, नहीं, नहीं, नहीं आते सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आते प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब जो आपके इन्वेंट्री के प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके फिक्स भी हो सकते हैं और आपके वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो सकते हैं ठीक है तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आ गया इन्वेंट्री की कॉस्ट में आपका परचेज प्राइस आ गया इन्वेंट्री की कॉस्ट में आपका कन्वर्जन कॉस्ट आ गया और आपका अदर कॉस्ट आ गया कन्वर्जन कॉस्ट में आपका लेबर के खर्चे हो गए कन्वर्जन कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन के खर्चे हो गए प्रोडक्शन के खर्चे आपके खर्चेट्स भी हो सकते हैं आपके वेरिएबल ओवर भी हो सकते हैं अगर आपके फिक्स ओवर की बात करें तो फिक्स ओवरेट्स आपको पता है कि वो हमेशा फिक्स रहते हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कैपेसिटी तक हमेशा फिक्स रहते हैं तो प्रोडक्शन ओवर फिक्स ओवर को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में अलोकेट कैसे करोगे अलोकेट करने का बेस्ट अलोकेट कैसे करोगे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में मान लीजिए आपके पास हैं आपको पता है कि 50 ,00 रुपीज overall साल भर का 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 साल साल भर भर खर्चा खर्चा होगा होगा आपको यह देखना पड़ता है कि आपका इन्वेंट्री का कैपेसिटी कितना है normal capacity मतलब आप normal कितना प्रोडक्शन करोगे साल भर में लगभग लगभग कितना प्रोडक्शन आप साल भर में करोगे तो साल भर में मान लीजिए आप वन प्रोडक्शन करोगे तो आप क्या करोगे आप एक रेट निकालोगे आप एक रेट निकालोगे फिफ्टी लैक्स डिवाइडेड बाय वन लैख ठीक है ना फिफ्टी लैक्स डिवाइड बाय वन गया आपका फिफ्टी रुपीज पर यूनिट फिफ्टी रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्सॉर्ब करोगे यूनिट की कॉस्ट में मतलब अब आपके पास अगर मान लो क्लोजिंग इन्वेंटरी मान लीजिए क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास रखी हुई है आउट ऑफ वन लाख यूनिट्स आपके पास सिर्फ 5000 यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंटरी रखी हुई है तो 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीस, तो 50 रुपीस जो हुआ वो फिक्स ओवरहेड आपकी इन्वेंटरी की कॉस्ट में जाके ऐड हो गया

आपकी नॉर्मल कैपेसिटी वन लैख्स थी आपने एक्चुअल बनाए, थी, पर आपने बनाए से ज्यादा तो ऐसे केस में ध्यान से देखिए क्या लिखा है एलोकेशन ऑन नॉर्मल कैपेसिटी बेसिस एक्सेप्ट वेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज मोर देन नॉर्मल अगर आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कर लिया फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली आपने प्रोडक्शन कर दिया 120 यूनिट्स का 120 यूनिट्स का यहां पर डेफिनेटली आपको फिक्स ओवरहेट्स को अलोकेट करने के लिए 50 लैक्स डिवाइड बाय 1 लैक नहीं करोगे अब आप 50 लैख डिवाइड बाय 120 करोगे आप 120 करोगे तो 50 लैक्स डिवाइड बाय 1.2 आपका आ गया 50 डिवाइड बाय 1.2 आपका रेट आ गया 41.67 अब आप 41.67 के हिसाब से जो होगा फिक्स ओवरहेड्स को अलोकेट करोगे ये वाली बात बहुत जरूरी है ध्यान रखिएगा इस चीज को वेरिएबल ओवरहेड्स की बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा एक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पर ही अलोकेट होते हैं मतलब जो भी आपने एक्चुअल प्रोडक्शन किया उसके बेसिस पे अलोकेट होते हैं बच्चों मैं आपको बता दूं अगर आपको बीच में कहीं पे भी डाउट आए तो आप अपना डाउट चैट में लिख लीजिएगा मेरा पास चैट सामने आपका दिख रहा है मैं आपका चैट देखते जाऊंगा ठीक है तो आप अपना डाउट बीच में लिख सकते हो डोंट वरी एक सेकेंड हां अभी मुझे आपका चैट पूरा पूरा दिख रहा है चलिए फिर अपन बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री की कॉस्ट में परचेज कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट लास्ट कॉस्ट कौन सा होता है लास्ट कॉस्ट होता है आपका अदर कॉस्ट अदर कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी खर्चा विच इज इन टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन सेलेबल कंडीशन इन्वेंट्री को सेलेबल कंडीशन में लाने का खर्चा भाई आपने गुड्स को रॉ मेटेरियल को परचेज किया आप उसको फैक्ट्री में लेके आए फैक्ट्री में लेके आए आपने उसका लेबर का खर्चा किया प्रोडक्शन वर्ग का खर्चा किया अब आप उसको फैक्ट्री से निकालकर वेयर हाउस पे लेके जा रहे हो क्योंकि वेयरहाउस से आप उसको सेल करोगे तो सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाने का खर्चा मतलब स्टोरेज जहां पर आप करते हो वहां तक पहुंचाने का खर्चा स्टोरेज पे पहुंचाने का खर्चा वेयर हाउस तक पहुंचाने का खर्चा जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसिट इंश्योरेंस ये सब एक बच्ची पूछ रही है सर स्टोरेज कॉस्ट इज एडेड इन द इनवेंट्री और नॉट नहीं स्टोरेज कॉस्ट एडेड नहीं होती मैंने बोला जहां पर आप स्टोर करते हो वहां तक लाने का खर्चा एक बार आपकी इन्वेंट्री आपके स्टोरेज तक पहुंच गई तो स्टोरेज तक पहुंचने के बाद के जितने भी खर्चे होते हैं जैसे हाउस का रेंट स्टोरेज का रेंट गोडाउन का रेंट वहां के सुपरवाइजर की सैलरी ये सब इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ इन्वेंट्री वहां पर मेंटेन की जा रही है सेलेबल कंडीशन तक पहुंच गई उसके बाद के खर्चे इंक्लूड नहीं होंगे ठीक है तो यह होगा आपका इन्वेंट्री का कॉस्ट आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अब अपन बात करते हैं एनआरवी क्योंकि हमने देखा इन्वेंट्री का मेजरमेंट होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी जहां तक बात करें एनआरवी एनआरवी क्या होती है NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली किस तरीके से निकालते हैं एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मैं इस इन्वेंट्री को कितने में बेचूंगा uh, मैं इस इन्वेंट्री को बेचूंगा लगभग लगभग फाइव हंड्रेड रुपीज पर यूनिट पे और बेचने के लिए मुझे कितना खर्चा आएगा कॉस्ट ऑफ सेलिंग क्या होगा मेरा मेरे को लगता है मेरा कॉस्ट ऑफ सेलिंग ट्वेंटी रुपीज होगा हां मेरा कॉस्ट ऑफ सेलिंग ट्वेंटी रुपीज होगा तो मुझे बताइए फाइव हंड्रेड में बेचूंगा और कॉस्ट ऑफ सेलिंग मेरा ट्वेंटी रुपीज होगा तो इसके केस में मेरा हो गया एनआरवी फोर एटी रुपीज मेरा एनआरवी क्या हो गया फोर एटी रुपीज तो एनआरवी मेरा फोर एटी रुपीज हो गया आपसे वो एमसीक्यू के अंदर क्या पूछ सकता है एस्टिमेट एनआरवी बेस्ट एडविडेंस सेल इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट आजकल आपने एमसीक्यूज वगैरह थोड़े बहुत देखे होंगे तो उसमें ना एमसीक्यूज में भी ना वो करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है मतलब वो चार स्टेटमेंट देता है और वो बोलता है कि बताइए इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो एनआरवी फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है बैलेंस शीट डेट के बाद अगर आपने गुड्स को सच्ची मुच्ची सेल किया है तो जिस वैल्यू पर सेल किया है वो सेल वैल्यू आपके लिए एनआरवी होगा बैलेंस शीट डेट पर आपका इन्वेंट्री अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले आपने जो सेल किया है जिस value पर sale किया है, है. ये उसका ठीक है थीके? तो हम बात कर रहे हैं एनआरवी की एनआरवी फिनिश गुड्स केस में एनआरवी क्या होगी कितने पे सेल करने वाले हैं माइनस कॉस्टू सेल सिंपल डब्ल्यू केस के एनआरवी कैसे होगी डब्ल्यू आईपी के एनआरवी बहुत इजी है जो भी एनआरवी फॉर एग्जाम्पल आपने फिनिश गुड्स का एनआरवी फाइव हंड्रेड पे बेचोगे ट्वेंटी रुपीज में खर्चा होगा तो आपका फोर एटी का प्राइस आएगा मान लीजिए डब्ल्यू का आपको एनआरवी निकालना है तो एनआरवी और फिनिश गुड्स मतलब फोर एटी वही फोर एटी जो आपने फिनिश गुड्स का लिया ठीक है अब क्योंकि ये WIP है, इसका मतलब अभी ये फिनिश गुड्स हुआ नहीं है मतलब अभी इसमें और फर्दर एक्सपेंडिचर करना है मुझे कंप्लीट करने के लिए इसको फिनिश गुड्स बनाने के लिए मुझे और फर्दर एक्सपेंडिचर्स करने हैं एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट

ही नहीं सकते क्योंकि आपको बेचना क्या है आपको तो फिनिश गुड सेल करना है ना आप रॉ मेटेरियल तो सेल करते ही नहीं हो तो आप एनआरवी कहां से निकाल लोगे तो फिर ऐसे केस में रॉ मेटेरियल को मेजर कैसे करेंगे रॉ मटेरियल का भी मेजरमेंट कहीं ना कहीं फिनिश गुड्स के ऊपर डिपेंडेंट है जैसे डब्ल्यू मटेरियल का, का भी हायर देन कॉस्ट आपको यह देखना, देखना है कि यह जो रॉ मटेरियल है जिसके बेसिस पर फिनिश गुड्स बनाए गए हैं क्या उन फिनिश गुड्स का एनआरवी फिनिश गुड्स की कॉस्ट से ज्यादा है क्या मतलब आपको यह देखना है कि जो फिनिश गुड्स है उसका कॉस्ट है फोर हंड्रेड और उसका एनआरवी है तो आपके पूरे फोर हंड्रेड रुपीज की कॉस्ट आराम से रिकवर हो जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आराम से रिकवर हो जाएगी फोर हंड्रेड रुपीज क्योंकि उसकी एनआरवी ज्यादा ही है तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अगर फिनिश गुड्स का एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट कम है तो रॉ मटेरियल का भी ऐसा ही होगा तो ऐसे केस में रॉ मटेरियल का एनआरवी निकालने की जरूरत नहीं है रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे ही मेजर करो बिकॉज कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर क्योंकि फिनिश गुड्स के केस में एनआरवी हायर है तो हम कॉस्ट पे ही मेजर करेंगे तो रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे ही मेजर करो सो so, सर कहना क्या चाहते हो कहना यह चाहता हूं कि तुम अगर अपने फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो तो रॉ मटेरियल को भी कॉस्ट पे ही मेजर करोगे इफ एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज लोअर पर अगर तुम फिनिश गुड्स को एनआरवी पे मेजर कर रहे हो क्योंकि एनआरवी लोअर है तो ऐसे केस में तुम अपने रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करोगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे तो इसका मतलब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे हो गया इनवेंट्री सॉरी रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे हो गया रॉ मेटर का वैल्यूएशन हो गया फिनिश गुड्स के ऊपर अगर तुम्हारा फिनिश गुड्स कॉस्ट पे मेजर हो रहा है या तो तुम्हारा फिनिश गुड्स एनआरवी पे मेजर हो रहा है अगर तुम्हारा फिनिश गुड्स कॉस्ट पे मेजर हो रहा है तो रॉ मेटिल का भी कॉस्ट ले लो और अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे मेजर हो रहा है तो रॉ मेटिल का रिप्लेसमेंट कॉस्ट ले लो

जरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल रो मटेरियल का मेजरमेंट कॉस्ट और NRV नहीं मेजरमेंट ऑफ रॉ मेटेरियल डिपेंडिंग अपॉन द फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट पे है तो रॉ मेटेर भी कॉस्ट पे फिश गुड्स अगर एनआरवी पे है तो रॉ मेटर है आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पे बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कॉस्ट तो ये रही ना परचेज कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट अदर कॉस्ट बात कर जनवरी में तुम्हारा परचेज कॉस्ट परचेज प्राइस अलग था फरवरी में परचेज प्राइस अलग था मार्च में प्राइस अलग था जनवरी का फिक्स्ड फिक्स्ड ओवरहेड का रिकवरी रेट बारह रुपए था फरवरी में इट वाज थर्टीन रुपीज मार्च में इट बिकम्स इलेवन रुपीज अरे तुम कौन सा वाला लोगे कॉस्ट भी तो बहुत सारी है ना तुम्हारी हर महीने की परचेज कॉस्ट अलग हो रही है हर महीने की कन्वर्जन कॉस्ट अलग हो रही है आइडेंटिफाई कैसे करोगे हाउ टू आइडेंटिफाई आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे तो आइडेंटिफाई करने के एस ने कुछ तरीके दिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है दो टाइप का नॉट ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल और इंटरचेंजेबल ये नॉट ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल क्या होता है नॉट ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल का मतलब होता है नॉट ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल का मतलब होता है कि ऐसी इन्वेंट्री जो तुम कस्टमाइज्ड बनाते हो कस्टमर के हिसाब से उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाते हो वो कोई इंटरचेंजेबल नहीं है वो कोई ऐसा कैलकुलेटर कैलकुलेटर टाइप नहीं है कि तुमने एक ही बैच में लगभग बना लिए एक जैसे हैं। तो जो एक जैसे टाइप के गुड्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल पर जो गुड्स एक जैसे टाइप के नहीं होते हर कस्टमर के हिसाब से उनके स्पेसिफिक होते हैं तो उसको कहते हैं ordinarily इंटरचेंजेबल और ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल किसको कहते हैं जो एक जैसे टाइप के होते हैं एक ही बैच में बहुत सारे बंदे तो ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल तो अगर तुम्हारी इन्वेंट्री इंटर, इं, ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल है तो तुम उसके ऊपर फीफो लगा सकते हो कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए तुम उसके ऊपर वेटेड एवरेज लगा सकते हो कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए तुम उसके ऊपर रिटेल प्राइस मेथड लगा सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा सकते हो देखो फीफो वेटेड एवरेज कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा सी ए फाउंडेशन वाला पॉइंट है ठीक है ना और उस पर कोई इंस्टीट्यूट पूछता भी नहीं है उनको पता है कि ये तो बहुत ही लल्लू चप्पू चीजें हैं रिटेल प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट पे बस थोड़ी सी चीजें याद रखना कि क्या याद रखना है आपको कि भाई रिटेल प्राइस मेथड व्हेन टू यूज एंड हाउ टू यूज वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेन टू यूज एंड हाउ टू यूज बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों मेथड कौन कौन सी सिचुएशन में यूज होंगे तो अगर मैं रिटेल प्राइस की बात करें वेन टू यूज वेन देयर आर वाइड वराइटी ऑफ प्रोडक्ट विथ सिमिलर मार्जिन जैसे डी मार्ट रिलायंस सुपर मार्केट तो ये जो टाइप की जो फर्म्स होती हैं जो रिटेल में डील करती हैं और उनके पास रेंज ऑफ गुड्स होती है वाइड रेंज ऑफ गुड्स होती है और ऑलमोस्ट एवरी गुड्स के ऊपर उनका मार्जिन सिमिलर होता है अगर उनका मार्जिन सिमिलर है तो ऐसे केस में रिटेल प्राइस प्राइस मेथड मेथड यूज होगा। रिटेल क्या बोलता है? सेल प्राइस में से जीपी रेशियो हटा दो कॉस्ट मिल जाएगी कॉस्ट आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका सेल प्राइस में से जीपी हटा दो तो क्या फॉर्मूला हो गया कॉस्ट का कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस जीपी रेशियो मतलब एंड पे जो तुम्हारे पास जो भी इन्वेंट्री रखी हुई है उसका सेल प्राइस पता है उसमें तो आइडेंटिफाई करने की आपका रिटेल प्राइस मेथड वेन टू यूज रिटेल इंडस्ट्री वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस और सिमिलर मार्जिन अभी आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कब लगता है जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो कॉस्ट रिकॉर्ड में कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली एंड एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन अगर डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन है हर प्रोडक्ट का और आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के स्टैंडर्ड रेट्स लेने पड़ते हैं आपको सबको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हो सकता है आपने पढ़ा होगा नहीं भी पढ़ा होगा तो बस आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के एक रेट्स आपको एस्टिमेट करने पड़ते हैं चलिए तो ये हो गया आपका ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल ऐसी इन्वेंट्रीज जो कि सेम टू सेम टाइप की बनती है हर कस्टमर के लिए सिमिलर एक ही एक ही इन्वेंट्री बनाई जाती है तो उसमें ये चार methods है। पर अगर आप नॉट ऑर्डनरली इंटरचेंजेबल वाली इन्वेंट्री में डील कर रहे हो तो मेक श्योर sure आप ये वाले चारों मैथड्स नहीं लगा पाओगे क्योंकि आप कस्टमाइज गुड्स बना रहे हो ऐसे केस में आप क्योंकि कस्टमाइज गुड्स बनाते हो तो आप कस्टमर वाइज जो भी खर्चा कर रहे हो आप कस्टमर ओरिएंटेड जो भी खर्चा कर रहे हो जो भी आप उस कस्टमर के लिए कॉस्टशीट बना रहे हो, आप डायरेक्टली वही खर्चा अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट में लोगे आपको फीफो वेटेड एवरेज रिटेल और स्टैंड कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं है ये समझ लिया कि सर इन्वेंट्री क्या होती है इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती है इन्वेंट्री की एनआरवी के अंदर क्या क्या चीजें आती है कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर इन्वेंट्री आपने बोला एक असेट है एक असेट है जो कि बैलेंस शीट में दिखती है है ना पर सर ये असेट कभी ना कभी सर asset, asset कभी ना कभी तो राइट right ऑफ होती है सर पीपी राइट ऑफ होती है डेपरेशन के फॉर्म में तो सर असेट कभी ना कभी तो पीएडल में जाएगी ना हाँ बिल्कुल जाएगी तो सर इन्वेंट्री आपकी पी पीएंडल में कब जाएगी इन्वेंट्री को आप एक्सपेंस कब मानोगे तीन सिचुएशंस में एक्सपेंस या इनकम एक्सपेंस या इनकम तीन सिचुएशन में इन्वेंट्री आपकी पी एंडल में कब जाएगी पहला जब वो आपने मार्केट में सेल कर दी जब तक आपने सेल नहीं की थी तब तक आपकी वो असेट थी इन्वेंट्री आपने जैसे ही उसको सेल कर दिया तो वो बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका एनडल में डेबिट होता है सेल के साथ कंपेयर होता है ताकि आपका जीपी निकल सके तो इनवेंट्री एस सुन एज यू सोल्ड इट तो वो बन जाएगा आपका सीओजीएस और सीओजीएस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है आप सबको पता है प्रॉफिट निकालने के लिए सेकेंड आपने इन्वेंट्री बेची नहीं है आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी फाइव हंड्रेड रुपीज अभी आप उसको मेजर कर रहे हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे कॉस्ट है फाइव हंड्रेड एनआरवी है फोर फिफ्टी

ना इन्वेंट्री तुम्हारी सेल हुई ना उसका एनआरवी रिड्यूस हुआ पर तुमने अपनी इनवेंट्री को पीपीई में यूज कर दिया तुम पीपीई को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तुम पीपी बना रहे हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड एस टेन तुम पीपी बना रहे हो और तुमने इन्वेंट्री को यूज कर दिया तो एस टेन लग जाएगा और ए एस टेन कहता है कि की में वो इन्वेंट्री की कॉस्ट भी एड हो जाएगी अब जैसे ही तुमने पीपी की कॉस्ट में वो इन्वेंट्री की कॉस्ट को एड कर दिया तो पीपी की कॉस्ट बढ़ जाएगी अब तुम उसके ऊपर क्या लगाओगे डेप्रिसिएशन तो डेप्रेशन कहा जाएगा एक्सपेंस पीएनडल में तो इन्वेंटरी की कॉस्ट पीपी में जुड़ गई थी तो कहीं ना कहीं वो डेप्रिसिएशन के रूप में आपके पीएंडल में आ गया तो ये तीन वेज हैं तुम्हारे इन्वेंट्री को पीएंडल में पहुंचाने के ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ध्यान रखिएगा उसके बाद बस ए एस ट्वेंटी टू खत्म होने वाला है स्पेशल केसेस ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट जब आप इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हो परचेज कॉस्ट ये वाली तो परचेज कॉस्ट में जो आपका प्राइस होता है उसमें से माइनस करते हो डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस करोगे तुम कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करोगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपको क्वांटिटी पर मिलता है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज करो हम आपको डिस्काउंट देंगे तो परचेज पर ही मिलता है कैश डिस्काउंट कभी परचेज पर नहीं मिलता कैश डिस्काउंट आगे चल के अर्ली पेमेंट पर मिलता है तो कैश डिस्काउंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री आपकी कैश डिस्काउंट इन्वेंट्री माइनस नहीं होगा नॉट टू कंसिडर ठीक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है अगर आप अपनी पीपीई को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या होगा पीपी इन्वेंट्री में कैसे कन्वर्ट हो गई रे फॉर एग्जाम्पल आप पहले उसको पीपी मान रहे थे आपने पास आपके पास कोई एसेट है मान लो आपके पास कोई गाड़ी है कार है आप उसको पहले पीपी मान रहे थे पर आपने अचानक से अपना नेचर ऑफ बिजनेस बदल दिया आपने बोला कि अब मैं कार बेचूंगा और मैं एक कार नहीं बेचूंगा अब मैं बस कार बेचता रहूंगा बेचता रहूंगा तो आपकी पीपी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी पहले आपकी वो पीपी -पी थी अब आप उसको बेचोगे बिजनेस में रेगुलरली अब आप बेचोगे तो आपकी पीपी इन्वेंट्री -पी में कन्वर्ट हो गई तो क्या करोगे तो ऐसे केस में अब जब वो इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गई तो फिर आपको इन्वेंट्री के रूल्स लगाने हैं ऑब्वियसली कॉस्ट और एनआरबी ऑब्वियसलीस्ट एवर इज लोअर वगैरह करोगे आई मेरी बात समझ में कि नहीं और जब भी उस कार को आगे चल के तुम बेचोगे तो उसको सेल बुक करोगे नॉर्मली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल बुक करोगे तुम उसको सेल ऑफ पीपी नहीं दिखाओगे तो तुम उसको सेल ऑफ इन्वेंट्री सेल ऑफ गुड्स दिखाओगे नॉर्मल सेल बुक करोगे और वो क्योंकि इन्वेंट्री बन गई तो वो सेल होते वक्त वो सीओजीएस बन जाएगा तो ये बातें ध्यान रखनी है जो नेचुरल है स्पेयर पार्ट्स Tools, equipments, ये 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 सब सब क्या होते ये सब पी -पी में use होते अगर ये पी -पी की definition में होते होते, हैं? हैं। में 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 अगर अगर की की तो एस लगेगा। पर अगर ये पी -पी की definition में नहीं मान लो इनकी महीने से कम है तो तुम इनको इन्वेंट्री मानते हो uh, क्लोजिंग कि कि वैल्यू बची है तो तुम इनको इन्वेंट्री मानोगे लास्ट अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू ज्वाइन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट हमने यहां पर कॉस्ट पढ़ा था कि cost में purchase, cost, conversion cost आता है, हो सकता है प्रोडक्शन के टाइम पर आपने जब कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा किया होगा लेबर और प्रोडक्शन का और परचेस प्राइस का उससे दो प्रोडक्ट बने आपके आपके दो प्रोडक्ट बन गए प्रोडक्शन करने से आपके टू प्रोडक्ट्स बन गए अब दो दो प्रोडक्ट बन गए आपको टोटल कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा आपको ज्वाइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को अलोकेट करना पड़ेगा दोनों प्रोडक्ट में तो आपको यह देखना है कि जो दोनों प्रोडक्ट बने हैं क्या वो दोनों अपने आप में मेन प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी क्या दोनों के दोनों मेन प्रोडक्ट्स हैं हाँ दोनों के दोनों मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो दोनों मेन प्रोडक्ट्स की रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में दोनों मेन प्रोडक्ट्स की रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में रिस्पेक्टिव सेल वैल्यू के प्रपोर्शन में आप उनके कॉस्ट को अलोकेट करोगे मान लीजिए आपका कुल मिला खर्चा आया फाइव लाख रूपीज का तो फाइव लाख रुपीज को आप अलोकेट करोगे जो दोनों प्रोडक्ट्स आपके बने हैं वो बने हैं आपके फाइव यूनिट्स और सेवन यूनिट्स तो 5000 यूनिट्स की फाइनल सेल वैल्यू कितनी होगी और 7000 यूनिट्स की फाइनल सेल वैल्यू कितनी होगी दोनों की सेल वैल्यू के प्रोपोर्शन में आप फाइव लाख को अलोकेट करोगे दूसरा अगर आपके दो प्रोडक्ट निकले हैं जिनमें से एक प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट है और दूसरा प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है दूसरा प्रोडक्ट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है वो आपका बाय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है जो आपका तो जो ऐसे केस में बाय प्रोडक्ट को आप इन्वेंट्री नहीं मानोगे बाय प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी होगा क्या लिखा है एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट शेल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट एनआरवी का जो भी बाय प्रोडक्ट होगा सॉरी मैं उल्टा बोल दिया बाय प्रोडक्ट का जो भी एनआरवी होगा वो टोटल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा जैसे मैंने आपको बोला कि आपका टोटल कॉस्ट मान लीजिए फाइव लाख रुपीज है प्रोडक्शन का और बाय प्रोडक्ट को जब बेचोगे तो तुम्हें लगभग लगभग ट्वेंटी थाउजेंड मिल जाएगा तो तुम्हारा एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट तुमने माइनस कर दिया अब कितना बचा फोर लैख एटी थाउजेंड फोर एटी विल बी द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ऐसा सो so ये था तुम्हारा इन्वेंट्री एस टू अगर आप में से किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो अदरवाइज हम क्वेश्चंस पे आते हैं ए एस टू के क्वेश्चंस पे आते हैं पेज नंबर वन फोर्टी कोई बच्चे को डाउट है क्या नहीं अगर किसी को डाउट है तो बताइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं चलिए आइए क्वेश्चन नंबर वन जीरो थ्री वन जीरो थ्री अल्फा लिमिटेड सेल्स फ्लेवर्ड मिल्क टू द कस्टमर्स सम ऑफ द कस्टमर्स कंज्यूम द मिल्क इन द शॉप रन बाय द अल्फा लिमिटेड मैं मिल्क बेचता, बेचता हूं बॉटल के अंदर ठीक है ना अभी क्या होता है ना कस्टमर आया उसने मिल्क का बॉटल लिया मिल्क पिया और बॉटल वहीं रख के चला गया सम ऑफ द कस्टमर कंज्यूम द मिल्क इन द शॉप रन बाय द अल्फा वाई लिविंग द शॉप कंज्यूमर लीव द इमटी बॉटल इन द शॉप एंड द कंपनी टेक्स पोजेशन ऑफ दीज इमटी बॉटल बॉटल रखा चला गया बॉटल हमारी हो गई कस्टमर की मर्जी है कस्टमर बॉटल ले जा सकता है पर बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर बॉटल छोड़ के जाता है अब हमारे पास हमारे पास ना बॉटल का स्टॉक मेंटेन हो गया ठीक है कंपनी लेट डाउन अ डिटेल्ड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग ऑफ इमटी बॉटल्स ये वाला लाइन आपका बहुत जरूरी है डिटेल्ड इंटरनल कंट्रोल रिकॉर्ड प्रोसीजर मतलब एंटिटी जो है ना इन बॉटल्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है एम टी बॉटल्स का विच आर सोल्ड बाय द कंपनी बाय कॉलिंग फॉर टेंडर्स अच्छा ये जो एमटी बॉटल बच गई कंपनी इनको रीयूज नहीं करती कंपनी इनको सेल कर देती है क्योंकि वो कस्टमर की बॉटल है ना तो कंपनी इनको रीयूज नहीं कर रही सेल कर देती है पर इनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है डिसाइड वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम टी बॉटल इज एन अट फॉर द कंपनी मतलब कुल मिला के एमटी बॉटल्स को हम इन्वेंट्री मानेंगे कि नहीं ए एस टू के अकॉर्डिंग इफ सो वेदर द इन्वेंट्री ऑफ एम बॉटल्स ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज टू बी कंसिड एज इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी एंड वैल्यूड एज पर ए एस टू और टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड शोन एज ए रियलाइजेबल वैल्यू विध करिस्पॉन्डिंग वैल्यू करू या फिर मैं इसको scrap मान मतलब बाय प्रोडक्ट टाइप का जैसे समझाया कि बाय प्रोडक्ट का ना एनआरवी निकाल के मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो तो क्या मैं इसको स्क्रैप मानू या फिर मैं प्रॉपर इन्वेंट्री मानू गाइस यहां पर वो बोल रहा है कि डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग सॉरी, डिटेल्ड इंटरनल रिकॉर्ड प्रोसीजर हो रहा है मतलब एम टी बॉटल्स को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया रहा है और उसको बेचा जाता है टेंडर कॉल करके तो इसका मतलब ये कोई छोटी मोटी सेल नहीं है ये कोई अच्छी खासी सेल हो रही है और ऐसे केस में ऐसे केस में इसको हम इनवेंट्री मानेंगे इसको हम स्क्रैप नहीं मानेंगे स्क्रैप का कभी कोई कोई टेंडर वेंडर होता होता है 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 क्या 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 स्क्रैप का इंटरनल रिकॉर्ड इतना डिटेल में नहीं तो यही रीजन कि हम इसको इनवेंट्री मानेंगे और इन्वेंट्री मानते हुए हम इसको ए में डील करेंगे आंसर आप खुद बाद में पढ़ लीजिएगा हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने तो इसीलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करके आंसर अपने हिसाब से आपको शॉर्ट में बताऊंगा ठीक है चलिए गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी अमाउंटिंग टू टू लैक एटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड कंपनी के अकॉर्डिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है वो है टू एटी फोर सेवन हंड्रेड पोलोइ आइटम्स आर इंक्लूडेड एट कॉस्ट टू एटी फोर सेवन हंड्रेड में बहुत सारी इन्वेंट्री है उसमें कुछ इन्वेंट्री ये शामिल है देखे क्या है उसमें फोर हंड्रेड कोट फोर हंड्रेड कोट Which है, मतलब कोई गारमेंट कंपनी होगी कोई कपड़े बनाने वाली होगी विच है पर कोट का. और डिफेक्ट तो अच्छा, निकला है देवर ऑल सोल्ड आफ्टर द बैलेंस शीट एट फिफ्टी परसेंट ऑफ देर नॉर्मल प्राइस ओ माई गॉल क्योंकि इन कोट में डिफेक्ट था तो यह नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर नहीं बिके ये बिके फिफ्टी परसेंट ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब रुपीज में बिके और ये कब बैलेंस शीट डेट के बाद, के बाद का सेल एवेंट। ये चेक कर लो कि बैलेंस डेट के बाद सेल हुआ है क्या जिस वैल्यू पे सेल हुआ है तो वो एनआरवी ले सकते हो तो 75 में सेल हुआ है क्योंकि डिफेक्ट था और सेल करने का पांच परसेंट का खर्चा आया ठीक है अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ इसका एनआरवी कितना होगा सेवन माइनस फाइव परसेंट मतलब इसका जो एनआरवी होगा वो होगा तो इस कोट को मुझे बताओ इस कोट की जो कॉस्ट है वो है एटी मुझे बताओ कोट को तुम किस पे मेजर करोगे कॉस्ट पे या एनआरवी पे चैट पर आ जाओ बच्चों कृपया करके जवाब दीजिए कोट को कॉस्ट पे और एनआरवी पे विच एवर इज लोअर एनआरवी पे विच एवर इज लोअर एनआरवी पे तो तुम्हें इसको एनआरवी पे मेजर करना चाहिए जबकि ऊपर क्या दी हुई है कॉस्ट दी हुई है, इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें एटी रुपीज मल्टीप्लाई बाय फोर हंड्रेड के हिसाब इस से इसमें से कॉस्ट हटानी पड़ेगी और एनआरवी जोड़नी पड़ेगी इसमें से इस वैल्यू में से कॉस्ट हटाओ और एनआरवी जोड़ो आया समझ में कॉस्ट हटाओ एनआरवी जोड़ो आई होप समझ में आ गया होगा नेक्स्ट एट हंड्रेड स्कर्ट विच हैड कॉस्ट रुपीज ट्वेंटी दीज टू वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव ठीक है रेमिडियल वर्क इन द अप्रैल बैलेंस डेट के बाद उसका खर्चा कितना आया कॉस्ट रुपीज फाइव पर स्कर्ट रेमिडियल वर्क मतलब उसका रिपेयरिंग किया गया पांच रुपए पर स्कर्ट का सेलिंग एक्सपेंस फॉर द बैच टोटल एट हंड्रेड रुपीज पूरा बैच का जो सेलिंग एक्सपेंस है वो आठ सौ रुपए है एक बैच में कितने स्कर्ट है मतलब वन रुपी का खर्चा आया तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आया पांच रुपए सेलिंग एक्सपेंस कितना होता है वन रुपी देवर सोल्ड फॉर ट्वेंटी एट भाई साहब ध्यान से देखो आपका ट्वेंटी एट में सेल हुआ है ट्वेंटी एट में सेल हुआ है. 28 में सेल करने के लिए आपने खर्चा कितना कितना किया वन रुपी और फाइव रुपी सिक्स रुपी तो इसका मतलब कर दो सिक्स तो भी आपकी एनआरवी ट्वेंटी टू रुपीज की है और कॉस्ट कितनी है ट्वेंटी अभी भी विच एवर इज लोअर क्या है है क्या है कॉस्ट कॉस्ट ही ही एवर इज लोअर क्या है और इसके अंदर क्या जुड़ा है कॉस्ट ही जुड़ा है कुछ करने की जरूरत नहीं है मतलब सेकेंड एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ एडजस्टमेंट वन को आपको देखने की जरूरत है गाइस हैव यू दिस है तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं क्योंकि कॉस्ट लोअर ही है पर फर्स्ट वाले में कॉस्ट हायर है एनआरवी लोअर है तो इसमें से कॉस्ट हटाओ एनआरवी जोड़ो बस फिर आपका ओवरऑल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा गाइस सबको समझ में आया कि नहीं ठीक है बच्चों समझ में आया कि नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्यू आर मैंने दिया रखा है क्यू आर जैसे स्कैन करोगे आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा शॉर्ट में जैसे मैं अभी आप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसी तरीके से आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यू आर दिया हुआ है तो हम अपने इस पर्टिकुलर सेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप इसको सेपरेटली रेफर कर लीजिएगा ठीक तो है तो क्यू आर है इसीलिए आप इसको कर लीजिएगा कई इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल फैंसी टेरी टॉवल हैड वैल्यूड इट्स क्लोजिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ इन्वेंटरीज एट ऑफ फिनिश गुड्स एट रियलाइजेबल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैड बीन रिसीव्ड एंड गुड्स वर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट द ओनरशिप इन दीज गु हैज नॉट बीन ट्रांसफर टू दिन बायर्स यू आर रिक्वायर टू एडवाइजनी टॉवल बनाती है टॉवल टॉवल सबके पास होता है टॉविल बनाती है टॉविल को वो मेजर कैसे कर रही है रियलाइजेबल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट मतलब शॉर्ट में एनआरवी पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे नहीं एनआरवी पे वो टॉवल को एनआरबी पे मेजर कर रही है ओ माई गॉड तो क्या वो सही कर रही है रुको अब मैं ना तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा गाइडेंस की तुम्हें जरूरत है क्या जरूरत है एक्चुअली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप सिर्फ एनआरबी पे मेजर कर सकते हो सिर्फ एनआरबी पे मेजर कर सकते हो ए एस टू अलाउ करता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप सिर्फ एनआरबी पे मेजर कर सकते हो क्या टॉवल उन प्रोडक्ट की लिस्ट में आता है क्या यह देखना है तो देखिए यह देखिए क्या लिखा है एट सर्टेन स्टेजेस इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री सच एस एग्रीकल्चरल क्रॉप हैव बीन हार्वेस्टेड और मिनरल ओर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड परफॉर्मेंस मे बी सब्सटेंशियली कंप्लीट ट्राई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन

उनको सेल करते हो और आप उनका सेल आपका गारंटीड है अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल इज गारंटीड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट गारंटी गवर्नमेंट बोलती है ना किसानों को हम खरीद लेंगे आपसे तो अगर आपका गारंटीड सेल होने वाला है आपको एश्योर्ड है कि आपका तो सेल हो जा ही होगा ऐसे केस में उन पर्टिकुलर गुड्स को आप एनआरवी पे मेजर कर सकते हो आप एनआरवी पे मेजर कर सकते हो तो क्या टॉवल उस कैटेगरी में आता है नहीं ना ही टॉवल आपका एग्रीकल्चरल गुड्स है ना ही मिनरल प्रोडक्ट है तो इसीलिए वो नहीं आता तो ऐसे केस में ऐसे केस में आप जो उसका वैल्यूएशन कर रहे हो एनआरवी पर ऐसे केस में आप जो उसको वैल्यू कर रहे हो एनआरवी पर वो गलत वैल्यूएशन है और आप उसको कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर पे मेजर करोगे तो सर इनको हम एनआरवी पे मेजर क्यों करते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स मिनरल गुड्स को क्योंकि बेटा सेल गारंटीड है ना सेल होकर रहेगी पक, पक्की बात है गारंटीड सेल है कोई पर कर रहा हूं। क्योंकि मुझे पता ही है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मेरा आगे मैं बेचूंगा। तो ऐसे केस में आप उसको एनआरबी मेजर करते हो पर टॉवल उस कैटेगरी में नहीं आता आई मेरी बात समझ में गाइस बोलो बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये देखिए क्या लिखा है इफ नेचर ऑफ इन्वेंट्री एंट्री एग्रीकल्चरल क्रॉप और मिनरल्स देन दीज कैन बी मेजर्ड एट एनआरवी ओनली इफ द सेल इज अश्योर्ड एंड नो रिस्क ऑफ फेलियर टू सेल इज देयर अगर सेल होने का सेल होने का एश्योरेंस है और सेल नहीं होगा उसका कोई रिस्क नहीं है सेल तो होके रहेगा तो ऐसे केस में आप उसको एनआरवी पे मेजर कर सकते हो टॉवल उस कैटेगरी में नहीं आता ठीक है तो टॉवल का जो मेजरमेंट किया वो गलत किया है लास्ट में क्या लिखा है पॉलिसी डॉक्टर बाय द कंपनी फॉर वेलिंग द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉट करेक्ट चलिए गाइज डन वन जीरो सेवन आपका ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स का दिया हुआ है आपका रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग दिया हुआ है रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग ये फिर आपका परचेस दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बेटा ठीक है फिर आपका लेबर है फिर आपका overheads है फिर आपका सेल है क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर वॉज फिफ्टीन थाउजेंड के जी बेटा इसको आप बोलोगे नॉर्मल कैपेसिटी ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड

नाइन हंड्रेड बताइए आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया टेन थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय आपने ये रॉ मटेरियल खरीदा कितने में था वन लाख डिवाइड बाय टेन थाउजेंड किस रेट पे खरीदा था टेन रुपीज तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टेन रुपीज से तो आपका देखिए सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम का कॉस्ट आ गया टेन आ गया हंड्रेड मल्टीप्लाई टेन गयाउजेंड थोड़ा गलत लिखा है कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं होना चाहिए ये आना चाहिए कंजम्शन कॉस्ट कंजम्सन कॉस्ट रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया ठीक है फिर उसके बाद आपका लेबर का खर्चा तो दिया ही हुआ है सेवेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये आपका लेबर का खर्चा सेवेंटी सिक्स थाउजंड फाइव हंड्रेड आपके बेटा. कैसे एलोकेट होते हैं? कैपेसिटी के बेसिस पर तो तो कितना कितना आया? 5 रुपीज. कितना आया बेटा? 5 रुपीज. तो आपने कितने कंज्यूम किए थे आपने टेन थाउजेंड टू हंड्रेड कंज्यूम किए थे तो करो टेन थाउजेंड टू हंड्रेड मल्टीप्लाई फाइव मतलब आ गया फिफ्टी वन थाउजेंड आ गया इसके अलावा वेरियबल कुछ है क्या वगैरह कुछ वेरिएबल वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये टोटल टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया ट्वेंटी और, और इस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके टेन थाउजेंड टू हंड्रेड यूनिट से तो पर कॉस्ट आ गया आपका ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव कॉस्ट पर यूनिट आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव और आप उसका एनआरवी कितने बेच रहे हो ट्वेंटी रुपीज पर के जी ट्वेंटी रुपीज पर जी ट्वेंटी रुपीज पर जी पे एनआरवी पे मेजर तो बताओ रॉ मेटल किस पे मेजर होगा रॉ मेटर की डिपेंडेंसी है फिनिश गुड्स के ऊपर अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पर मेजर होता है तो रॉ मेटेर कॉस्ट पे मेजर होता है अगर फिनिश गुड्स एनआरवी पे मेजर होता है तो रॉ मेटेरियल रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मेजर होता है तो मुझे बताओ रॉ मेटल को किस पे मेजर करोगे ियल को तुम दस रुपए के हिसाब से मेजर नहीं करोगे उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहीं दिया होगा तुम उसको मेजर करोगे ठीक है आया समझ में तो लास्ट में तुम्हारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री पास है नाइन हंड्रेड इसको तुम मेजर करोगे नाइन पॉइंट फाइव में और ट्वेल हंड्रेड फिश गुड्स उसको तुम मेजर करोगे ट्वेंटी रुपीज में ये तुम्हारा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेगा क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए तुमने पहले पूरा पूरा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकाला कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स तुम्हारा आया ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव तो ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त था गाइस इसी के साथ हमारा ए एस टू खत्म बोलिए इसी के साथ हमारा ए एस टू खत्म कोई दिक्कत कोई दिक्कत तकलीफ चलिए मैं एमसीक्यू देख लेता हूं अगर एमसीक्यू MCQ... यार एक काम करो आप ना एमसीक्यूज खुद एक बार करके देखना एमसीक्यूज खुद करके देखना मैंने पूरा शीट दिया हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करूं बजाय एमसीक्यूज के अगर मुझे लगा तो मैं एमसीक्यू का एक सेपरेट सेशन रख लूंगा मैं एमसीक्यूज पर सेपरेट सेशन रख लूंगा ठीक है तो एमसीक्यूज आप एक बार देख लेना मैंने ये पूरी शीट आप लोगों को प्रोवाइड तो कर ही दी है एमसीक्यूज वाली तो आप इसको खुद ही देख लेना इसमें इन्वेंट्री का आपको मिल जाएगा तो हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पर एक बच्चा बोल रहा है सर प्लीज एक बार वो ट्रम्प बुक में जो नोट लिखा था वो आप अपना शो कर दो तो वो आप ये लीजिए वो शो कर दिया मैंने आप ये देख लीजिए अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर अगला ए एस पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास चलिए अब हम चलते हैं अगले ए एस पर सर अगला ए एस कौन सा बेटा अगला ए एस हम करने वाले हैं ए एस सेवनटीन सेगमेंट रिपोर्टिंग अगला ए एस करने वाले हैं हम एएस सेवनटीन सेगमेंट रिपोर्टिंग तो पहले मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं एक सेकेंड ना हम्म गिव मी टू मिनट्स ओनली आईधर वन मिनट ओनली Yes. चलते बच्चों एस सेवेंटीन पर सेगमेंट रिपोर्टिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग सबसे पहले सर सेगमेंट मतलब क्या होता है देखो जी अगर मैं एक कंपनी के अंदर कंपनी का नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एबीसी लिमिटेड एक कंपनी के अंदर कई सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस कर रहा हूं मेरे अलग अलग टाइप के बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल मेरा रियल एस्टेट का सेगमेंट अलग है दूसरा मैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूं अलग से तो ये मेरे दो अलग अलग बिजनेस हो गए ना रियल एस्टेट बिल्कुल ही एक अलग बिजनेस हो गया और मैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं वो एक अलग ही बिजनेस हो गया मान लो मेरा एक सर्विस सेक्टर भी है कंसल्टेंसी भी देता हूं तो एक ही कंपनी के अंदर मैं अलग अलग टाइप के बिजनेस कर रहा हूं इसको बोलते हैं सेगमेंट अब यहां मैंने सेगमेंट को कैसे लोकेट किया नेचर ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ सर्विस के हिसाब से कि भाई रियल एस्टेट का नेचर अलग है यहां पर जो मैं प्रोडक्ट ऑफर कर रहा हूं वो अलग है कंसल्टेंसी बिल्कुल अलग है और मैन्युफैक्चरिंग अलग है मैंने नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग किया पर हमेशा सेगमेंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं होता एक और तरीका होता है जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अपना आईसीएआई अपना आईसीआई आप आईसीआई का देख लीजिए नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल साउथर्न इंडिया रीजनल काउंसिल सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल एंड ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल और इसके अलावा फॉरेन तो ये लोकेशन वाइज हो गया आईसीआई तो एक ही कोर्स ऑफर कर रहा है ना सीए पर सीए कोर्स भी जब ऑफर कर रहा है तो नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के बच्चे अलग है उनका रजिस्ट्रेशन एनआरओ होता है और वेस्टर्न वालों का रजिस्ट्रेशन डब्ल्यू होता है सेंट्रल वालों का रजिस्ट्रेशन सीआरओ होता है कोर्स तो एक ही है ना प्रोडक्ट तो एक ही है ना पर लोकेशन अलग अलग है सो so, ये भी एक सेगमेंट हो गया तो सेगमेंट बनाने के लिए या तो प्रोडक्ट वाइज जाओ या तो लोकेशन वाइज जाओ ये वाली बात आपको सबको समझ में आई या तो प्रोडक्ट वाइज या तो लोकेशन वाइज ठीक है ना लोकेशन में जैसे मैंने आपके ऑफिस आईसीआई का एग्जाम्पल दिया तो नॉर्मल कंपनीज के लिए लोकेशन क्या हो सकता है डोमेस्टिक एंड अदर कंट्रीज ये हो गया या इंडिया में बैठे बैठे अदर ब्रांचेस ब्रांच अकाउंटिंग सेगमेंट ये सब तो इसको बोलते हैं सेगमेंट ठीक है सर सेगमेंट समझ में आ गया सर सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब क्या है देखो एक ही कंपनी अलग 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 अलग, -अलग प्रोडक्ट बेच रही है या अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से काम कर रही है आईसीआई का एग्जाम्पल वापस ले लेते तुमने आईसीआई का एनुअल रिपोर्ट देखा पूरे साल भर का बैलेंस शीट दिखाओ पीएनडल देखा तो तुम्हें आईसीआई का बढ़िया सा रेवेन्यू दिखा हालांकि आईसीआई तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका तुम्हें रेवेन्यू दिखा और तुम्हें यह पता करना है कि मैं डब्ल्यू आर ओ से हूं तो आईसीआई डब्ल्यू आर ओ वालों से कितना पैसा कमा रही है आईसीआई का रिसीट कमा रही बोलना गलत हो जाएगा आईसीआई का रिसीट डब्ल्यू आर एब्लू आर ओ वाले बच्चों से कितना है और डब्ल्यू आर ओ में बच्चों से एज वेल एज मेंबर से कितना है एनआरओ से कितना है नॉर्दर्न इंडिया से कितना है सेंट्रल काउंसिल से कितना है तो वो देखना है तुम्हें तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए रहेगा उसमें तुम्हें हर सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग आईसीआई को करनी पड़ेगी ना आईसीआई को हर सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी मुझे नहीं पता वो रिपोर्टिंग करते हैं कि नहीं करते आई थिंक शायद नहीं करते क्योंकि क्योंकि आईसीआई को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है करने की एज सच मैंडेटरी नहीं है तो सेगमेंट रिपोर्टिंग मतलब शेयर होल्डर्स वॉन्ट रेवेन्यू इंफॉर्मेशन असेट इंफॉर्मेशन लाइबिलिटी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन सेगमेंट वाइज ऑल्सो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते ना वो सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं देते तो इसीलिए अगर आप सेगमेंट वाइज उनको इंफॉर्मेशन अलग से दोगे एनुअल इंफॉर्मेशन के अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा अगर आप उनको सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दोगे तो वो इंफॉर्मेशन को बोला जाएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग ठीक है सर सेगमेंट समझ में आ गया रिपोर्टिंग समझ में आ गया सर जो ये रिपोर्ट बनेगी इस रिपोर्ट के अंदर आएगा क्या सर सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर क्या आएगा सर वही घिसा पिटा बैलेंस शीट पी एंड एल ट्रेडिंग कैश फ्लो ये सब आएगा नहीं नहीं पहली बात तो जो भी आएगा वो मैं बताऊंगा उससे पहले अगर आपसे कभी कोई पूछे या एमसी क्यू आए कि बताइए सेगमेंट रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बोलना नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट पे एंड कैश फ्लो नोट्स वो अकाउंट आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं आती है सेगमेंट रिपोर्टिंग अलग से करनी पड़ती है सेगमेंट रिपोर्ट आर सेपरेट ठीक है अब सेगमेंट रिपोर्ट में आपने बोला सर कि ना बैलेंस शीट आती है ना पेडल आते हैं ना कैश फ्लो आता है फिर सेगमेंट रिपोर्ट में आता क्या बैलेंस शीट के दो चार आइटम्स सेगमेंट रिपोर्ट में डाले जाते हैं पेन्डल के दो चार आइटम्स सेगमेंट रिपोर्ट में डाले जाते हैं कैश फ्लो के दो चार आइटम सेगमेंट रिपोर्ट में डालते हैं बन गई सेगमेंट रिपोर्ट सर मतलब बैलेंस शीट ना बहुत डिटेल में होती है हर एक सेट नॉन करंट 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 में भी अलग अलग हेड नॉन करंट में भी अलग अलग हेड ता सेगमेंट रिपोर्ट में नहीं होता सेगमेंट रिपोर्ट में बस इतना होता है कि बस तुम तो ये बता दो अपन आईसीआई को, को बेस मानते हैं ICI बस आप ये बता दो कि आपका नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के अट्स कितनेट कितने 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 की इंफॉर्मेशन रीजन वाइज सेगमेंट वाइज अब आईसीआई आप लाइब्रेरी भी बता दो इतना डिटेल में खुल खुल के मत बताओ बस टोटल बता दो कि आपके सेगमेंट वाइज टोटल असेट कितने कितने हैं ठीक है सेगमेंट वाइज लाइब्रेरीज कितनी कितनी हैं सेगमेंट वाइज आपका रेवेन्यू कितना कितना है सेगमेंट वाइज आपके प्रॉफिट्स कितने कितने हैं और लॉसेस हुए तो लॉसेस कितने कितने हैं सेगमेंट वाइज आपने कितने कितने कैपिटल एक्सपेंडिचर किए बस इतनी कुछ बातें बता दो बन गई सेगमेंट बच्चों कुछ भी अभी मैंने चार्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया से नहीं पढ़ाया जो भी मैंने आपको समझाया मुझे बताओ इतना पोर्शन आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्योंकि यहां के बाद आपको क्या इमेजिनेशन करने में आसानी होगी अब आपको जब मैं यह पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपका बेस क्रिएट हो चुका है तो आइए सेगमेंट्स तो कुल सेगमेंट्स दो टाइप के होते हैं एक होते हैं बिजनेस सेगमेंट्स एक होते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स जैसा मैंने आपको बोला बिजनेस सेगमेंट्स कि मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस अलग है एक ही कंपनी में मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस अलग है और मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अलग है तो मैंने बिजनेस सेगमेंट किस बेसिस पर किया प्रोडक्ट के बेसिस पर किया ज्योग्राफिकल सेगमेंट जैसे मैंने आईसीएआई का बताया अलग अलग रीजन वाइज मेरे अलग अलग रीजन वाइज मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट हुआ तो सेगमेंट आपके दो कैटेगरी में होते हैं एक बिजनेस सेगमेंट एक जॉग्रफिकल सेगमेंट बिजनेस सेगमेंट को क्या बोल रहा रहे और रिलेटेड ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिटर्न्स अब मुझे बताओ क्या रियल एस्टेट बाकी दो कंसल्टेंसी और मैन्युफैक्चरिंग से डिस्टिंग्विशेबल है हा दोनों का नेचर अलग अलग है क्या रियल एस्टेट में जो रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलते हैं क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के रिस्क एंड रिवॉर्ड से सिमिलर है नहीं अलग है इंडिपेंडेंट है तो बिजनेस सेगमेंट की पहचान क्या है वो कॉम्पोनेंट डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए वो जो प्रोडक्ट आपको वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है सर्विस दे रहा है वो दूसरे कंपोनेंट से दूसरे सेगमेंट से बिल्कुल अलग होनी चाहिए और सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न्स होने चाहिए तो वो बन जाएगा बिजनेस सेगमेंट ज्योग्राफिकल की बात करें डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट सर्विस विद इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड इंडिपेंडेंट रिस्क एंड रिटर्न इकोनॉमिक एनवायरमेंट यहां पर टर्म टर्म क्या है इकोनॉमिक एनवायरमेंट जिस रीजन में मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं दूसरे रीजन में भी मैं सेम प्रोडक्ट बेच रहा हूं पर दोनों रीजन के अंदर दोनों का इकोनॉमिक एनवायरमेंट अलग अलग है दोनों का दोनों रीजन के अंदर रिस्क और रिटर्न्स अलग अलग हैं मैं बिहार में प्रोडक्ट बेच रहा हूं और मैं महाराष्ट्र में प्रोडक्ट बेच रहा हूं बिहार में रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है महाराष्ट्र में रिस्क एंड रिवार्ड्स अलग है महाराष्ट्र में बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है तो मैं महंगा बेच पा रहा हूं पर वही प्रोडक्ट मैं बिहार में बेच रहा हूं यूपी में बेच रहा हूं ठीक है ना झारखंड में बेच रहा हूं वहां पर बाइंग कैपेसिटी कम है तो इसलिए मुझे अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन कम रखना पड़ रहा है प्रोडक्ट सेम है तो यहां पर एक रीजन दूसरे रीजन से अलग है बिकॉज़ दोनों रीजन के अंदर डिफरेंट रिस, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं इसीलिए वो डिस्टिंग्विशेबल है गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट ये समझ में आया सबको सेगमेंट वाइज चीजें तो सर ये तो हमें समझ में आ गया पर सर हमें जब सेगमेंटेशन करना होगा रिपोर्ट बनानी होगी तो सर हम बिजनेस वाइज जाए या फिर हम जोग्राफिकल वाइज जाए मतलब सर हम अलग अलग प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट दिखाएं या फिर हम एरिया वाइज सेगमेंट दिखाएं पहली बात तो ये आपके ऊपर है आपके मतलब मैनेजमेंट के ऊपर है बट फिर भी कुछ गाइडेंस बताई गई है कि भाई आप या तो बिजनेस वाइज जाओ या तो आप ज्योग्राफिकल वाइज जाओ कुछ गाइडेंस बताई गई है हम बात करेंगे अगर आप बिजनेस वाइज जाते हो तो आप उसको बोलोगे प्राइमरी और ज्योग्राफिकल सेगमेंट को बोलोगे सेकेंडरी और अगर आप ज्योग्राफिकल वाइज दिखाना चाहते हो तो इसको बोलोगे प्राइमरी और इसको बोलोगे सेकेंडरी तो सर इससे क्या हो जाएगा जिसको भी आप प्राइमरी बोल रहे हो उसमें डिस्क्लोजर्स ज्यादा हैं और सेकेंडरी में डिस्क्लोजर्स कम हैं। देखो तो मैं आपके सामने कुछ सिचुएशंस बता रहा हूं हो सकता है मेरा ज्योग्राफिकल कोई सेगमेंट है ही नहीं मैं बस पुणे पुणे में ही काम करता हूं मान लीजिए मैं सिर्फ पुणे पुणे में ही काम करता हूं मेरा सिर्फ बिजनेस सेगमेंट है प्रोडक्ट अलग अलग है मेरे प्रोडक्ट अलग अलग है और मेरा कोई ज्योग्राफिकल सेगमेंट बन ही नहीं रहा है क्योंकि मैं एक ही सिटी में काम कर रहा हूं बात ही खत्म हो गई तो मेरे लिए सेकेंडरी वेकेंडरी कुछ होगा ही नहीं मेरे लिए सिर्फ बिजनेस सेगमेंट वाइज ही मुझे प्रोडक्ट वाइज ही अलग अलग सेगमेंट बनाना पड़ेगा ये हो गई पहली सिचुएशन दूसरी सिचुएशन मेरे अलग अलग जगह पर काम है अलग अलग जगह पर काम है पर मैं एक सिंगल प्रोडक्ट ही बेचता हूं तो अब मेरा बिजनेस सेगमेंट कुछ अलग अलग है ही नहीं मेरा प्रोडक्ट तो सिंगल ही है पर मैं अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट में सेल करता हूं तो मेरे लिए का, जो, जोग्राफिकल जोग्राफिकल सेगमेंट क्या हो गया प्राइमरी सेकेंडरी कुछ है ही नहीं ये तो ऐसी सिचुएशन जहां सिर्फ प्राइमरी है सेकेंडरी कुछ नहीं है अब प्राइमरी भी होगा सेकेंडरी भी होगा मैं डिफरेंट प्रोडक्ट में काम करता हूं और मैं डोमेस्टिक सेल भी करता हूं और फॉरेन सेल भी करता हूं इंडिया के बाहर यार दोनों चीजें हो रही हैं। अब दोनों में से किसी एक को मुझे प्राइमरी मानना पड़ेगा किसी एक को सेकेंडरी और वो मेरे ऊपर है जिसको प्राइमरी मानूंगा उसमें ज्यादा डिस्क्लोजर्स जिसको सेकेंडरी मानूंगा उसमें डिस्क्लोजर कंपैरेटिवली कम ऐसा बोलो जी सबको समझ में आया कि नहीं तो हाउ टू डिसाइड प्राइमरी और सेकेंडरी सेगमेंट जॉग्राफिकल सेकेंडरी होगा कि ज्योग्राफिकल प्राइमरी होगा बिजनेस सेकेंडरी होगा कि बिजनेस प्राइमरी होगा कैसे डिसाइड करेंगे ये बोला गया चेक डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। चेक डोमिनेट सो डोमिनेंट सोर्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न रिस्क एंड रिटर्न आर अफेक्टेड बाय प्रोडक्ट्स एंड या फिर अफेक्टेड बाय जोग्राफिकल लोकेशन आप ये चेक करो कि आपके बिजनेस के अंदर मेजरली आपके बिजनेस में रिस्क एंड रिटर्न प्रोडक्ट एंड सर्विस के कारण अफेक्ट हो रहे हैं या फिर रीजन वाइज अफेक्ट हो रहे हैं अगर प्रोडक्ट एंड सर्विस वाइज अफेक्ट हो रहे हैं तो आप बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी बोलोगे ज्योग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी बोलोगे पर आपके रिस्क एंड रिटर्न प्रोडक्ट वाइज अफेक्ट नहीं होते उल्टा रीजन वाइज अफेक्ट होते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बिहार झारखंड में सस्ता बेच रहा हूं महाराष्ट्र गुजरात में महंगा बेच रहा हूं क्योंकि वहां पर बाइंग कैपेसिटी अच्छी है तो मेरे रिस्क और रिटर्न्स रीजन वाइज अफेक्ट हो रहे हैं तो मैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट जीएस इज इक्वल टू प्राइमरी बी एस इज इक्वल टू सेकेंडरी आई बात समझ में तीसरा भी हो सकता है कि सर जोग्राफिकल रीजन वाइज भी और प्रोडक्ट वाइज सर मेरा तो इक्वल रिस्क एंड रिटर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं मतलब प्रोडक्ट के कारण भी रिस्क एंड रिटर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं और एरिया uh, वाइज भी रिस्क एंड रिटर्न्स अफेक्ट हो रहे हैं सर बहुत सर गड़बड़ हो रहा है दोनों को प्राइमरी मान लो नहीं ये गलत लिखा है यहां पर यहां पर ना बोथ है तो आप दोनों को भी प्राइमरी मान सकते हो ये यह यहां पर प्लीज ठीक कर दीजिएगा बोथ कैन बी प्राइमरी ऑल्सो दोनों को भी प्राइमरी मान सकते हो यहां पर ब, बिजनेस और ज्योग्राफिकल दोनों को प्राइमरी प्लीज इसको तो ठीक कर दीजिएगा सॉरी फॉर दिस दोनों को प्राइमरी मान लो ठीक है तो ये होता है फैक्टर डिसाइड करने का क्या फैक्टर होता है डिसाइड करने का रिस्क एंड रिटर्न्स आर अफेक्टेड बाय प्रोडक्ट्स और ज्योग्राफिकल लोकेशंस चलिए सर सेगमेंटेशन मतलब समझ में आ गया कितने टाइप के होते हैं कौन सा सेगमेंट प्राइमरी कौन सा सेगमेंट सेकेंडरी uh, ये भी समझ में आ गया बोलो बेटा यहां तक क्लियर है कि नहीं यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज मैंने आपको बोला कि रिपोर्ट के अंदर क्या आएगा असेट्स की इंफॉर्मेशन लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन तो अब उसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा कि ये सेगमेंट रेवेन्यू होता क्या है सेगमेंट एक्सपेंस होता क्या है ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है सेगमेंट रेवेन्यू सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा सेगमेंट रेवेन्यू में क्या आएगा सर ऐसा क्यों पाउडर हम आएगा नहीं आएगा कुछ रेवेन्यू सेगमेंट वाइज नहीं होते मेरे भाई कुछ रेवेन्यूज कंपनी ओरिएंटेड होते हैं को तो एग्जांपल देता हूं आईसीआई की बात कर लेते हैं आईसीआई को बच्चों से फीस वेस्टर्न रीजन से भी आता है नॉर्दर्न से भी आता है साउदर्न से भी आता है ईस्टर्न सेंट्रल से भी आता है यह तो सेगमेंट वाइज हो गया अगर मैं तुम्हें बोलूं कि आईसीआई कुछ अमाउंट बैंक में एफ करके बैठा है आईसीआई ने कुछ अमाउंट एचओ लेवल पर लेवल पर उन्होंने बैंक में, जमा किया।, में जमा किया है और बैंक में जो एफ जमा किया है उसके ऊपर आईसीआई को इंटरेस्ट आ रहा है इंटरेस्ट अब मुझे बताओ जो इंटरेस्ट इनकम है क्या आईसीआई उसको यह बोलेगा कि वेस्टर्न से आया साउदर्न से आया सेंट्रल से आया, से आया? नॉर्दर्न से आया नहीं ये हेडक्वार्टर एचओ लेवल का इनकम है हेड ऑफिस लेवल का जो इनकम होता है वो सेगमेंट के रेवेन्यू में नहीं आता है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस का होता है आया मेरी बात समझ में बोलिए तो सेगमेंट का रेवेन्यू निकालते वक्त सेगमेंट का रेवेन्यू निकालते वक्त आपको हेड ऑफिस रिलेटेड इनकम्स नहीं लेने होते सिर्फ सेगमेंट सेगमेंट के इनकम्स लेने होते हैं बच्चों आई होप आपको ये सबको क्लियर हो रहा होगा तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या क्या आता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू मतलब जो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का डायरेक्ट रेवेन्यू है वो अलोकेबल रेवेन्यू फ्रॉम एंटरप्राइजेस कॉमन रेवेन्यू अगर मान लो आईसीएआई कुछ रेवेन्यू कुछ कॉमन रेवेन्यू को वेस्टर्न में सेंट्रल में ईस्टर्न में नॉर्दर्न में साउदर्न में अलोकेट कर रही है अलोकेट कर रही है तो वो अलोकेबल रेवेन्यू और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को गुड्स बेचे तो वो भी आएगा तो सेगमेंट में तीन आते हैं चीजें सेगमेंट रेवेन्यू में तीन डायरेक्ट रेवेन्यू अलोकेबल रेवेन्यू एंड इंटर सेगमेंट रेवेन्यू डायरेक्ट अलोकेबल इंटर सेगमेंट क्या क्या नहीं आएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स नहीं आएंगी इंटरेस्ट और डिविडेंड्स नहीं आएंगे अनलेस द फाइनेंसिंग बिजनेस अनलेस द फाइनेंसिंग बिजनेस अनलेस द फाइनेंसिंग बिजनेस हाँ पर अगर नेचर ऑफ बिजनेस ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जैसे बैंक एसबीआई अब एसबीआई का मेन रेवेन्यू ही इंटरेस्ट और डिविडेंड होता है और एस बी आई अगर मान लो रीजन वाइज अपने रेवेन्यू को अलोकेट कर रही है एस तो बी का मेन बिजनेस ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो अगर एक कंपनी का मेन रेवेन्यू इंटरेस्ट डिविडेंड एज अ फाइनेंसिंग बिजनेस से है तो फिर वो सेगमेंट वाले रेवेन्यू में कवर होगा अदरवाइज वो नहीं आएगा ठीक है ये वही चीज है जैसा तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानते हैं पर अगर एक कंपनी फाइनेंसिंग नेचर की एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है ये वैसा ही है तो ये सब नहीं आएगा गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सब नहीं आएगा ये सब सेगमेंट रेवेन्यू में नहीं आएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा सेगमेंट एक्सपेंसेस में क्या क्या वही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस अलोकेबल एक्सपेंस और इंटर सेगमेंट एक्सपेंस बेटा सिंपल है याद रखना पड़ेगा रेवेन्यू और एक्सपेंस के अंदर तीन चीजें डायरेक्ट अलोकेबल सेगमेंट सिंपल क्या क्या नहीं आएगा एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स नहीं आएंगे उधर इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम नहीं आया था यहां पर भी आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा वही अनलेस फाइनेंसिंग बिजनेस ना हो लॉस ऑन सेल ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंस जनरल इंटरप्राइज एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस मतलब हेड ऑफिस लेवल एक्सपेंस एचओ लेवल एक्सपेंस नहीं आएंगे तो ये सब एक्सपेंसिस सेगमेंट एक्सपेंसेस में नहीं आएंगे ठीक है सर सेगमेंट असेट्स और सेगमेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा सेगमेंट असेट्स और सेगमेंट लाइब्रेरीज़ में क्या क्या आएगा? जितनी भी एट्रीब्यूटेबल मतलब अलोकेबल मतलब, एट्रीब्यूटेबल की जगह पर रीजनेबली अलोकेबल लिख दो तो ज्यादा अच्छा है अब याद रहेगा तुम्हें बहुत ही सिंपल है डायरेक्ट अलोकेबल इंटरसेगमेंट यहां पर भी डायरेक्ट अलोकेबल इंटरसेगमेंट असेट में भी डायरेक्ट और अलोकेबल इंटरसेगमेंट असेट हो ही नहीं सकती सेगमेंट असेट लाइब्रेरी में क्या नहीं आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स नहीं आएगा डीटीए डीटीएल नहीं आएगा टेक एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट वेन इंटरेस्ट और डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू अगर तुम इंटरेस्ट और डिविडेंड को सेगमेंट रेवेन्यू में लेते हो क्योंकि वो वो तुम्हारा मेन फाइनेंसिंग नेचर का बिजनेस है तो उस इंटरेस्ट इंटरेस्ट डिविडेंड डिविडेंड जो जहां से आया इन्वेस्टमेंट से आया तो तुम उस इन्वेस्टमेंट को भी सेगमेंट असेट में लोगे तो क्या तुम सेगमेंट रेवेन्यू में या सेगमेंट एक्सपेंस में इंटरेस्ट और डिविडेंड को कंसिडर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है हाँ तो वो जो तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हुआ वो इन्वेस्टमेंट से हुआ तो तुम उस इन्वेस्टमेंट और एडवांसेस को भी तुम सेगमेंट असेट का पार्ट मानोगे ठीक है आया समझ में कि नहीं आया समझ में कि नहीं सर ये सब याद रखना पड़ेगा हाँ बेटा याद तो रखना पड़ेगा है ना ठीक है सर क्या क्या पढ़ा सेगमेंट दो टाइप के प्रोडक्ट वाइज एरिया वाइज कौन सा वाला प्राइमरी कौन सा हैं रेवेन्यू में क्या आएगा एक्सपेंस में, में क्या आएगा ये पढ़ लिया अब बस ज्यादा ज्यादा चीजें बची नहीं है जो बचाए वही इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी अभी आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा ट्वेंटी सेवन ये पैरा नंबर याद रखना मैं ये पैरा नंबर हाईलाइट कर रहा हूं ये पैरा नंबर याद रखना मान लीजिए मैंने आइडेंटिफाई किए बिजनेस वाइज मेरे दस सेगमेंट कंपनी आईटीसी सबको पता होगा आईटीसी सुना होगा आईटीसी के कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं एफएमसीजी में भी है प्रिंटिंग स्टेशनरी में भी है होटेल्स में भी है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, बहुत सारे आईटीसी के कितने सारे सेगमेंट्स होंगे सोचो है ना कितने सारे सेगमेंट्स होंगे आईटीसी के दस बीस पचास साठ बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे है ना तो आईटीसी के बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे सर तो क्या सर सबको रिपोर्ट करना है सर क्या सभी सेगमेंट्स को रिपोर्ट करना है ये तो एस बोलता है वही सेगमेंट्स को रिपोर्ट करो वही सेगमेंट्स को रिपोर्ट करो जो मटेरियल है अब पता कैसे चलेगा कि मटेरियल क्या होता है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई है उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई ठीक है कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है क्या जूम के अंदर कुछ डिस्टरबेंस हुआ है क्या एवरी एवरीथिंग इज ओके गई सब ठीक है ओके okay. ठीक तो आईटीसी की बात कर रहे थे बहुत सारे अलग 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 सेगमेंट्स अरे भाई सबको थोड़ी रिपोर्ट करने की जरूरत है यार मुझे तो आईटीसी के वो सेगमेंट दिखाओ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मेरा डिसीजन टिका हुआ है छोटे मोटे सेगमेंट जो ना रेवेन्यू कर पा रहे हैं ढंग से ना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं छोटा मोटा प्रॉफिट होता है छोटा मोटा रेवेन्यू होता है अरे मुझे उनसे क्या मतलब मुझे उनके ऐसे सेगमेंट का रिपोर्टिंग दिखाओ जिनके बेसिस पर मेरा डिसीजन टिका हुआ है तो ए एस ने बोला यार क्या करे क्या करे क्या करे एक काम करते हैं थ्रेश लिमिट डिसाइड करते हैं लिमिट वाइज जाते हैं जो भी सेगमेंट परसेंट की थ्रेश लिमिट को फुलफिल करेगा उस सेगमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा बाकी सेगमेंट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अब यह टेन परसेंट की थ्रेश लिमिट किस बेसिस पर है इसका बेसिस है एक तो revenue, दूसरा रिजल्ट तीसरा असेट्स एस ए मतलब असेट्स भूलो ना तो ये असेट यहां पर भी लिखा हुआ है ठीक है या तो रेवेन्यू वाइज या तो रिजल्ट वाइज रिजल्ट मतलब प्रॉफिट और लॉस या तो वाइज तीनों में अगर कोई भी असेट कोई भी सेगमेंट टेन परसेंट की लिमिट को फुलफिल कर रहा है तो वो रिपोर्टेबल है और अगर कोई भी सेगमेंट इन तीनों को फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अब है क्या पहला सेगमेंट रेवेन्यू टेन परसेंट और मोर बेटा और मोर लिखा है मोर देन टेन परसेंट नहीं लिखा है मतलब अगर दस में भी आ गया तो रिपोर्टेबल है ऑफ ऑल सेगमेंट रेवेन्यू मतलब सारे सेगमेंट रेवेन्यू मान लो मेरे पास टेन सेगमेंट हैं वन टू थ्री फोर सभी का टोटल रेवेन्यू आ रहा है फाइव हंड्रेड क्रोड्स सेगमेंट वन सेगमेंट टू थ्री फोर फाइव ब्ला 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 सभी सेगमेंट्स का टोटल रेवेन्यू आ रहा है फाइव हंड्रेड क्रोड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन कितना हुआ फिफ्टी क्रोड्स मुझे यह देखना है कि मेरे इन टेन सेगमेंट्स में किस किस का रेवेन्यू 50 करोड़ या उससे ज्यादा है 50 या उससे ज्यादा है 50 या उससे ज्यादा है जो जो सेगमेंट का रेवेन्यू 50 या उससे ज्यादा होगा उसको मैं रिपोर्ट करूंगा पहले में डाउट हो तो चैट पे आ जाना सेकेंड अब हो सकता है कोई सेगमेंट रेवेन्यू वाइज टेन परसेंट लिमिट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है पर रिजल्ट वाइज कर पा रहा है रिजल्ट वाइज क्या टेन परसेंट और मोर ऑफ ऑल सेगमेंट इन लॉसेस और ऑल सेगमेंट इन प्रॉफिट विच एवर इज हायर इसको मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू करके बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू करके बताऊंगा मान लीजिए आपके ये सेगमेंट है सेगमेंट ए सेगमेंट बी सेगमेंट सी सेगमेंट डी इन सेगमेंट्स में ना प्रॉफिट है कितना प्रॉफिट है फिफ्टी टेन फाइव एटी टोटल आप मुझे बताओगे और कुछ सेगमेंट्स लॉस मेकिंग सेगमेंट्स है वो कौन से हैं ई एफ जी एच कुछ लॉस मेकिंग सेगमेंट्स हैं लॉस मेकिंग सेगमेंट्स जो है उनमें एक का लॉस है हंड्रेड एक का लॉस है एट एक का लॉस है थर्टी एक का लॉस है टू ठीक है इनका टोटल आप मुझे बताएंगे ये है वन फोर्टी फाइव ये मुझे बताएंगे प्लीज आप लोग वन फोर्टी विच एवर इज हायर इन एप्सोल्यूट टर्म्स एप्सोल्यूट मतलब भले ये लॉस है पर आप इसके नेगेटिव फिगर को मत देखो वन फाइव और वन ऑफ कोर्स वन मान लीजिए मैं और थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं थर्टी uh, की जगह थर्टी की जगह फोर्टी कर रहा हूं चलो अब बताओ अब बताओ ये आ गया वन फिफ्टी विच अवर इज हायर आप बोलोगे सर प्रॉफिट वाला ही हायर होता है नहीं बेटा नेगेटिव साइन मत देखो नेगेटिव साइन मत देखो ठीक है तो ये हायर है वन फिफ्टी हायर वन फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय टेन कितना हुआ फिफ्टीन कितना हुआ फिफ्टीन जो भी सेगमेंट का 15 का प्रॉफिट या 15 का लॉस आएगा 15 का प्रॉफिट या लॉस या उससे ज्यादा वो रिपोर्टेबल होगा चलिए बताइए ये।, ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है ये नहीं आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है ये आ रहा है ये नहीं आ रहा है तो बताइए कौन कौन से सेगमेंट रिपोर्टेबल है ए और डी ई और जी ये चार सेगमेंट रिपोर्टेबल है कुछ आया समझ में कि नहीं, कुछ आया समझ में कि नहीं, इस तरीके से आपको रिपोर्टेबल को लेना होता है ठीक है चलिए तो जो सेगमेंट वाइज थर्ड फुलफिल कर रहा है रिजल्ट और असेट देखने की जरूरत नहीं है जो वाइज नहीं कर रहा है उसका रिजल्ट देख लो रिजल्ट भी नहीं कर रहा है असेट देख लो असेट में क्या बोला टेन परसेंट और मोर ऑफ सेगमेंट जितने भी आपने हर सेगमेंट की जितनी जितनी है, सबका कितनी टू हंड्रेड करोड्स तो जिस जिस सेगमेंट के असेट्स टोटल असेट्स टू हंड्रेड करोड़ उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्टेबल हो जाएंगे सिंपल ये तीनों ये तीनों और में है ये तीनों और में ये हो गया तुम्हारा पैरा ट्वेंटी सेवन पैरा ट्वेंटी सेवन मतलब वाले, 10 वाले। इसके अलावा ये तो तुम्हें पैरा ट्वेंटी सेवन फॉलो करना ही पड़ेगा इसके अलावा एक और चीज देखनी पड़ेगी एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट जैसे मेरे इस एग्जाम्पल में रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से थे ए A के बाद कौन सा था डी फिर कौन सा था ई e. फिर था जी ये कौन से सेगमेंट होगा मेरे रिपोर्टेबल हो गए ना रिपोर्टेबल मैंने इनका रेवेन्यू निकाला कितना है और वो भी कौन सा रेवेन्यू सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू क्योंकि रेवेन्यू के अंदर वैसे तो ना इंटर सेगमेंट रेवेन्यू भी आता है पर फिलहाल एक और मुझे कंडीशन चेक करनी है वो कंडीशन के लिए मुझे सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू चाहिए तो मैंने इसका एक्चुअल रेवेन्यू देखा हंड्रेड इसका देखा फोर हंड्रेड इसका देखा फिफ्टी इसका देखा टू हंड्रेड कैन यू गाइस प्लीज टेल मी हाउ मच इज द टोटल चार सौ छह सौ सात सौ टोटल रेवेन्यू कितना है सेवन फिफ्टी एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेवन फिफ्टी है ठीक है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स का अरे है कि नहीं हाँ अभी यहां देखो क्या बोल रहा है एक्सल रेवेन्यू सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ द टोटल एक्सनल रेवेन्यू अब हुआ ये कि टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी कंपनी बेटा कंपनी जिसमें सेगमेंट बी सी एफ और एच भी आते हैं जिनको मैंने रिपोर्ट नहीं किया है ये भी तो मेरे कंपनी का ही पार्ट है ना कंपनी का टोटल रेवेन्यू है ट्वेल्व हंड्रेड कंपनी का टोटल रेवेन्यू है ट्वेल्व हंड्रेड अब करो परसेंटेज निकालो सेवन फिफ्टी डिवाइड बाई टेड परसेंटेज निकालो परसेंटेज निकालो क्या ये 75 हो रहा है मतलब कहता है कि वो कंप्लीट करने के बाद तुम्हें ये चेक करना है कि जो भी तुम्हारे रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनका टोटल एक्शनल रेवेन्यू एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी का होना चाहिए नहीं है ओशिट अब क्या करूं मेरा टोटल एक्शन रेवेन्यू सेवेंटी फाइव परसेंट होना चाहिए अब क्या करूं मुझे और भी सेगमेंट्स को शामिल करना पड़ेगा या तो बी को लेके आओ या तो सी को लेके आओ या तो एफ को लेके आओ या तो एच को लेके आओ इवन दो वो पैरा ट्वेंटी सेवन की एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं आर कर रहे हैं। फिर भी मुझे इनमें से किसी एक या दो को लेके आना पड़ेगा सो so दैट इनको लेके आने पर रेवेन्यू एटलीस्ट 75 हो जाए मेरे तो मुझे और कितने की भरपाई करनी है 150 150. वाला सेगमेंट लूंगा बताओ तुम बताओ कॉमन सेंस कौन सा सेगमेंट लूंगा वो सेगमेंट लूंगा जिसमें वन फिफ्टी रेवेन्यू जल्दी आ जाए बी सी एफ और एच में मैं यह देखूंगा कि किसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है इन चारों में से जो मेरे वन सेवेंटी फाइव परसेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है गाइस समझ में आया कि नहीं अगर हो रहा है पहले से ही तो कुछ करने की जरूरत नहीं अगर नहीं हो रहा है इफ नॉट एड मोर सेगमेंट टू मेक मिनिमम ऑफ सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल रेवेन्यू आई होप आपको यह पॉइंट क्लियरली समझ में आ गई होगी यह पूरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था हाँ भाई लास्ट बात रिपोर्टिंग की कुछ और बातें इंपॉर्टेंट है एनी सेगमेंट विच वॉज रिपोर्टेबल इन प्रीवियस ईयर बिकॉज ऑफ पैरा ट्वेंटी सेवन सच सेगमेंट शेल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट इन द करंट ईयर इवन दो इट डज नॉट फुलफिल पैरा ट्वेंटी सेवन ऐसा कोई सेगमेंट जो करंट ईयर में पैरा ट्वेंटी सेवन फुलफिल नहीं कर रहा है पर पिछले साल वो पैरा ट्वेंटी सेवन फुलफिल कर रहा था तो आपको करंट ईयर में भी उसको शो करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल जो बी है वो ना रेवेन्यू वाइज ना रिजल्ट वाइज ना असेट वाइज फुलफिल हो रहा है पर बी लास्ट ईयर फुलफिल कर रहा था बी लास्ट ईयर फुलफिल कर रहा था आपको बी को भी करंट ईयर में रिपोर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम रिपोर्टेबल सेगमेंट रीस्टेट प्रीवियस ईयर कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन अगर ऐसा कोई सेगमेंट है जो पहली बार रिपोर्ट हुआ है पिछले साल रिपोर्ट नहीं हुआ था तो आपको उसके पिछले साल का कंपैरेटिव फिगर्स भी दिखाना पड़ेगा जैसे आप बैलेंस शीट चॉइस ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है आपसे एमसी क्या मैनेजमेंट अपनी चॉइस के हिसाब सेगमेंट को रिपोर्ट कर सकता है यस Choice of management. Any segment can be reported based on management choice, even though it does not fulfill Para twenty seven. ठीक है चलिए आखिरी बातें सर सेगमेंट रिपोर्ट में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है सर सेगमेंट रिपोर्ट में आपको सेगमेंट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटिटी एंटिटी का टोटल रेवेन्यू उसको उसके साथ सेगमेंट का रेवेन्यू सेगमेंट के रिजल्ट सेगमेंट के एसेट लाइब्रिटी एक्सटर्नल रेवेन्यू अलग से और सेगमेंट वाइज पूरा रिकनसलेशन रिको रिको ऑफ सेगमेंट एंड एंटरप्राइज रिको मतलब रिकनसलेशन रिकंसिलेशन सर रिकंसलेशन कैसे इस तरीके से मान लो आप सेगमेंट रिपोर्ट बना रहे हो पर्टिकुलर्स ए डी मान लो दो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं ठीक है ना तो जिन सेगमेंट्स को आपने रिपोर्ट नहीं करना पैरा ट्वेंटी सेवन के हिसाब से वो आ जाएंगे आपके अदर्स और फिर आ जाएगा आपका टोटल समझ गए टोटल मतलब एंटिटी वाइज अब आपने यहां रेवेन्यू लिखा तो यहां आप दिखाते हो एक्सटर्नल इंटरनल एग ए का दिखाया 400 ये दिखाया 100 डी का दिखाया आपने 300 ये दिखाया 50 पर टोटल एंटिटी का रेवेन्यू तो थाउजेंड है नहीं थाउजेंड नहीं मानते मान लो टोटल एंटिटी का रेवेन्यू तो 900 है बैलेंस शीट पी एंडल के हिसाब से और यहां तो आप 400 और 300 दिखा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ बाकी का किसका होगा अदर्स का होगा तो अदर्स का कितना होगा टू हंड्रेड तो ये एक तरीके से रिकंसलेशन का काम करता है किसका काम करता है रिकंसलेशन का अरे आया समझ में आया समझ में तो ये एक तरीके से रिकंसलेशन का काम करता है ये वाला कॉलम अब कुछ लोग इस कॉलम वाइज बनाते हैं कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं बता रहा हूं कैसे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं ए बी और टोटल यहां पर आपने लिखा रेवेन्यू फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड पर हमने बोला टोटल तो सर नाइन हंड्रेड है और ये तो सेवन हंड्रेड आ रहा है तो हमने बोला प्लस अदर रेवेन्यू सीधा हमने टू हंड्रेड यहां कर दिया तो ये आ गया नाइन हंड्रेड एंटिटी रेवेन्यू अब रिकन्सलेशन ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा कोई दिक्कत नहीं फॉर्मेटिंग कैसे भी हो सकती है कहने का मतलब रिकंसलेशन करना पड़ता है कि एंटिटी के रेवेन्यू और जो रिपोर्टेबल सेगमेंट के रेवेन्यू है उनमें कितना फर्क कि है वो अलग से दिखा दो ताकि रिकन्सुलेशन रहे और ना ही रेवेन्यू में असेट वाइज भी करना पड़ेगा पी पेंडल वाइज भी करना पड़ेगा प्रॉफिट वाइज भी करना पड़ेगा लाइब्रेड वाइज भी करना पड़ेगा एक्सपेंस वाइज भी करना पड़ेगा बच्चों ए एस सेवनटीन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं Tell me Page number one sixty five Page number one sixty five sir could you please explain in english uh, i i can use the words uh, the figures in english okay i can use the figures the, the numerical digits in english but uh, everything in english is not possible dear sorry really very sorry everything in english is not possible okay sir will you revise all as dear today when i started uh, the topic the session i already told that i will revise these topics i'll try to cover up these topics okay so these topics are my priority basically okay let's come come here and for those who could not understand hindi i'll try my best to use some words in english ओके आइए इंटरप्राइज़ ऑपरेट्स थ्रू सेगमेंट्स नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एच द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दीस सेगमेंट्स इज गिवन एज़ फॉलोइंग टेबल द रेलेवेंट सेगमेंट्स नाउ एक्सटर्नल 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 इंटरनल 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 टोटल सेगमेंट रिजल्ट सेगमेंट एसेट्स आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड कि यहां जब आप पैरा ट्वेंटी सेवन में रेवेन्यू देखते हो तो पैरा ट्वेंटी सेवन में आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दोनों देखना होता है टेन परसेंट करते वक्त एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मिलाकर देखना होता है याद रखिएगा तो आपको ये वाला देखना पड़ेगा टोटल वाला ये वाला ठीक है तो टोटल रेवेन्यू कितना है सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई टेन इट्स सो एच एंड एवरी सेगमेंट शुड हैव और मोर रेवेन्यू टू बी रिपोर्टेड सो पहले वाला ए वाला रिपोर्ट हो रहा है ये yes, बिकॉज उसका हंड्रेड है उसका हंड्रेड है सेकेंड वन यस उसका थ्री फिफ्टीन है थर्ड वन नो फोर्थ वन नो नो नो

no yes no 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 so now d is also reportable d is also reportable guys have you understood next result wise now as far as the result is concerned profits separate losses separate so profit loss is separate 5 15 means 20 8 Matlab, 28 33 40. So what is the total profit? Total profit is 40. Now total loss. Can you please guys tell me? Total loss. It's 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 90, 95, 100. Oh my god. Total loss, 100. Whichever is higher, absolute terms, the loss is higher. So multiply by 10%. That means 10. So any segment. विच हैज अ प्रॉफिट और लॉस ऑफ टेन और मोर विल बी रिपोर्टेबल चलो बताओ येस येस ओ नो 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 बी सी ओनली बी सी दैट मीन्स नाव

हंड्रेड करना तो टोटल हाउ मच टू एटी द एक्सटर्नल रेवेन्यू इज टू एटी एंड वॉट इज द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू फोर हंड्रेड सो इज इट सेवेंटी फाइव परसेंट प्लीज डू इट नो इट इज सेवेंटी ओ माई गॉड सेवेंटी क्या करें हमें ए बी सी डी के साथ साथ आउट ऑफ ई एफ जी एच कोई भी एक और सेगमेंट लेना पड़ेगा जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होगा मुझे कितना चाहिए मुझे मिनिमम चाहिए फोर हंड्रेड का सेवेंटी फाइव परसेंट फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी फाइव परसेंट दैट मीन्स थ्री हंड्रेड एंड आई हैव टू एटी ऑलरेडी सो ट्वेंटी और मोर सो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसका है आईदर आई कैन टेक एफ और जी वॉट एवर आइदर एफ और जी सर दोनों में से सर एच भी तो है हाँ एच भी तो भूल गए भाई एच भी तो है सर तीनों में से किसको लेंगे जिसका सबसे ज्यादा हो ऑब्वियसली एफ पर सर अगर मान लो जी लू तो चलेगा हाँ चलेगा पर एग्जाम में मत करके आना ना, ना लायक एग्जाम में तुम यही करके आना बोलो समझ में आएगी नहीं हे भगवान चलो नेक्स्ट मेजर्स नाथन लिमिटेड हैज थ्री सेगमेंट्स नेमली पी क्यू आर असेट्स ऑफ द कंपनी आर फिफ्टीन क्रोड्स सेगमेंट पी हैज फोर करोड़ सेगमेंट क्यू सिक्स क्रोड्स सेगमेंट आर फाइव क्रोड्स डेफर टैक्स असेट्स इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ ई सेगमेंट वन पॉइंट नाइन पॉइंट एट अकाउंटेंट कंटेंट ऑल थ्री सेगमेंट आर रिपोर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डेफरटेक्सैट पार्ट ऑफ द सेगमेंट असैट नो डेफर पार्ट ऑफ सेगमेंट असेट सो लॉजिकली पी क्यू आर फोर सिक्स फाइव माइनस कर दो डीटीए डीटीए हटा दो वन हटा दो नाइन हटा दो पॉइंट एट हटा दो अब बताओ नेट कितना हुआ थ्री फाइव पॉइंट वन फोर पॉइंट टू अब बताओ तीनों में से रिपोर्टेबल कौन सा होगा तीनों का टोटल करो पहले टोटल हो गया ट्वेल्व पॉइंट थ्री अब टेन परसेंट की लिमिट चेक करो इट इज वन पॉइंट टू थ्री वन पॉइंट टू थ्री के एसेट जिसके होंगे या उससे ज्यादा वो उस सब रिपोर्टेबल होंगे बेटा ये तीनों रिपोर्टेबल है तीनों रिपोर्टेबल है सबका वन पॉइंट थ्री के ऊपर वन पॉइंट टू थ्री के ऊपर है. all are reportable अकाउंटेंट क्या बोल रहा था ऑल थ्री सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सही बोल रहा था बस उसने एक गलती कर दी कि उसने डीटीए को ऐड कर दिया डीटीए को ऐड नहीं करना था बाकी अकाउंटेंट वैसे तो सही है मतलब उसकी गलती से सही हो गया है ना अकाउंटेंट ने गलती क्या की डीटीए को ऐड कर दिया अकाउंटेंट को यह गलती नहीं करना चाहिए था 132 मैंने आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट बेटा मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा बिकॉज आई ऑल्सो आई ऑल्सो टीच सी एफ आर मैं फाइनल लेवल पे देखता हूं इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर टॉपिक सेगमेंट रिपोर्ट जैसा इंडेस भी है और वहां इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछता है मतलब जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए इस तरीके से ऐसे रिपोर्टिंग दे मे नॉट आस्क यू ये टेन परसेंट थ्राइशोल्ड लिमिट दे रिपोर्ट का मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके पर्टिकुलर में इन्होंने सोल्यूशन ये सब दिया है इन्होंने इनके तीन सेगमेंट ये 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 सेगमेंट आर एंड वन इज ऑफिसेशन पर्पस नाइज इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन दे, दे रहा है और लास्ट में वो देखो रिकनसलेशन कर रहा है वाला लास्ट में टोटल कॉलम में एड कर रहा है अब देखो उसने क्या क्या दिखाया है मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दू सबसे पहले उसने सेगमेंट सेगमेंट रेवेन्यू दिखाया है रेवेन्यू रेवेन्यू के अंदर वो सेल दिखा रहा है डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एक्सटर्नल इंटरनल टोटल और लास्ट में उसने रिकनसलेशन दिखा दिया दिस इज बेसिकली रिकंसलेशन अब देखो सेकंड वो क्या दिखा रहा है सेकंड दिखा रहा है प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड यहां दिखा रहा है ये वाला रिजल्ट तो उसने रेवेन्यू दिखा दिया उसने रिजल्ट दिखा दिए फिर थर्ड ये देखो उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस ये उसका रिकंसलेशन है क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने आपको बताया था कि वो सेगमेंट वाइज नहीं जाता ठीक है अब वो देखो क्या दिखा रहे हैं असेट्स लाइबिटीज की इंफॉर्मेशन और यहां उसने यहां रिकंसिलेशन दिखा दिया ठीक है फिर फोर्थ उसने लाइबिलिटी दिखा दिया और ये उसने रिकंसिलेशन दिखा दिया तो उसने ये सब इंफॉर्मेशन दिखाई रेवेन्यू दिखा दिया रिजल्ट दिखा दिया एक्सपेंसेस भी दिखा दिए असेट दिखा दिए लाइब्रेरी दिखा दी इस तरीके से वो कर रहा है जो जो इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है उसी को बस टेबल फॉर्मेट में बनाना है और देखो उसने ये प्रोडक्ट वाइज दिखाया है मतलब ये उसका बिजनेस सेगमेंट है जो कि उसने प्राइमरी रखा है फिर ये देखो जोग्राफिकल भी दिखाया है मतलब देखो सेकेंडरी दिखाया है और सेकेंडरी में सिर्फ वो सेल दिखा रहा है सिर्फ वो सेल दिखा रहा है मैंने कहा था प्राइमरी रिपोर्ट में ज्यादा इन्फॉर्मेशन सेकेंडरी रिपोर्ट में अगर ज्योग्राफिकल है तो बस रेवेन्यू की इन्फॉर्मेशन दिखा दो दैट्स इट ठीक है तो ये चीज ध्यान से देख लीजिएगा एक तरीके से मैंने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया है फॉर्मेट कोई प्री डिफाइंड नहीं है जैसे बैलेंस शीट का पी एंडल का शेड्यूल थ्री के अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है कैश फ्लो का भी होता है इनका फॉर्मेट प्री डिफाइंड नहीं है ठीक है तो आप अपने हिसाब से हल्का फुल्का फॉर्मेटिंग में चेंजेस कर सकते हो बट क्या ध्यान रखना है कि हमें रिकनसलेशन भी साथ साथ करते जाना है ठीक है बोलिए बेटा समझ में आया ये हो गया आपका ए एस सेवेंटीन ये हो गया आपका एएस सेवेंटीन ठीक है गाइस अब हम हमारा फर्स्ट फेज मान के चलिए खत्म हो गया है अब हम बढ़ रहे हैं अपने सेकंड फेज पे अब हम बढ़ रहे हैं सेकंड फेज पे सेकंड फेज में हम दो और स्टैंडर्ड्स करने वाले हैं एस ट्वेंटी टू विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ए एस थोड़ा टेक्निकल ज्यादा जाता है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है ध्यान रखिएगा एंड ए एस ट्वेंटी टू के अलावा विल कवर वेट अ मिनिट विल कवर ए एस सेवन या ए एस सेवन देखते हैं पहले ए एस ट्वेंटी टू हो जाए फिर वील सी बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेक अब से आप भी पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ रहा हूं तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं टेन मिनिट्स का इफ कोऑर्डिनेटर्स आर देयर तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट कि मैं ब्रेक ले रहा हूं गाइस टेन मिनट्स का ब्रेक लेते हैं एक ब्रेकफास्ट टाइप का ब्रेक लेते हैं ठीक है और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है गाइस चलिए लेते हैं एक दस मिनट का ब्रेक विल सी आफ्टर दैट थैंक यू सो मच no per unitat ni cap Thank mm -hmm. you.

इंडिया में रहता है इधर वालों ये कंप्लीट तो वैद्य के लिए यह है कि विद्यार्थियों É सर वो आप पहुंच गए क्या ठीक अच्छा अच्छा। वो एक्चुअली कहीं जा रहा था तो मैं आपको ऑन करवा था, कर था। तो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हाँ मैं ही पे हूँ hi guys are you guys available hi everyone welcome back चलिए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर अब हम बात करने वाले हैं एस ट्वेंटी टू का एस ट्वेंटी टू चलिए ए एस ट्वेंटी टू अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम इनकम टैक्स पे बात करता है उसके बारे में बात करेंगे शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूं मैं आपको यहां हम ए एस ट्वेंटी टू में इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे जीएसटी के बारे में बात नहीं करेंगे जीएसटी अकाउंटिंग की नहीं इनकम टैक्स की अकाउंटिंग की बात करेंगे जब हम इनकम टैक्स की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आप जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो यू हैव टू इमेजिन पी जब बनाते हो तो आपको पी पीएनएल में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है फिर आप माइनस करते हो टैक्स एक्सपेंस फिर आपका आता है प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स तो जब बिफोर में से आप टैक्स एक्सपेंस माइनस करते हो तो वो जो टैक्स एक्सपेंस होता है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको ए एस ट्वेंटी टू बता है कि वो टैक्स एक्सपेंस पी पीएडएल में क्यों आया को आया कैसे आया उसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेट्स हैं वगैरह तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अकाउंटिंग इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अकाउंटिंग इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स दो टाइप की इनकम होती है एक होती है अकाउंटिंग इनकम एक होती है टैक्सेबल इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पीएडल में आता है उसको अकाउंटिंग इनकम बोलते हैं हम एज्यूम कर रहे हैं फाइव लैख टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम जो आप इनकम टैक्स के कैलकुलेन के इनकम बोलते हैं है, मतलब कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम अलग अलग हो सकती है वह सब आप जानते हो क्योंकि इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो कि कुछ अकाउंट कुछ इनकम आपकी डिसउड हो जाती है कुछ एक्सपेंसिस तो यह हो गई आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम तीसरा होता है करंट टैक्स करंट टैक्स मतलब जो भी आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो tax tax लीजिए आपका टैक्स रेट चल रहा है सिक्स लैखी परसेंट ऑफ सिक्स लाख विल बी द करंट टैक्स मतलब 1 1 तो ये हो गया अकाउंटिंग इनकम ये हो गया टैक्सेबल इनकम ये हो गया करंट टैक्स नेक्स्ट ये तो तीन चीजें तीन चीजें हो गई अब डेफर टैक्स क्या होता है वो रुक जाओ पहले अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम ये दोनों अलग अलग है इन दोनों के बीच में डिफरेंस डिफरेंस है तो वो difference की बात करते हैं दोनों के बीच के जो डिफरेंस होते हैं उसको कहा जाता है टाइमिंग डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम इसको कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस हालांकि एक और डिफरेंस होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस मैं बाद में बात करूंगा उसकी तो दोनों इनकम के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस मतलब फाइव लाख एंड सिक्स लाख का डिफरेंस कितना हुआ वन लाख अगर वन लाख ,00 के ऊपर आप टैक्स का इफेक्ट देखोगे वन लाख ,00 के ऊपर जब आप टैक्स का इफेक्ट निकालोगे टैक्स का रेट कितना था थर्टी परसेंट तो वन लाख ,00 के ऊपर आप टैक्स का इफेक्ट निकालोगे थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड को आप कहोगे डेफर टैक्स थर्टी थाउजेंड को आप कहोगे डेफर टैक्स ठीक है फिर एक और टर्मनोलॉजी है सर टैक्स एक्सपेंस क्या होता है टैक्स एक्सपेंस जो आपके पी पीएंडल में आता है आपको याद होना चाहिए कि टैक्स एक्सपेंस आप पी पीएंडल में दिखाते हो टैक्स एक्सपेंस में क्या आता है टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स आता है जो आपने ये वाला निकाला और डेफर टैक्सेस आते हैं जो आप ये वाला निकाल रहे हो डेफर टैक्सेस दो टाइप के होते हैं डेफर टैक्स असेट डेफर टैक्स लाइबिलिटी अब सबसे पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला मैंने आपको बोला टैक्सेस टैक्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड करो एक होते हैं करंट टैक्स एक होते हैं डेफर टैक्स करंट टैक्सेस भी दो टाइप से हो सकते हैं एक होते हैं आपके करंट टैक्स असेट्स एक होते हैं करंट टैक्स लाइबिलिटीज करंट एक्स असेट मतलब टी वगैरह आपका डिडक्ट हुआ आपने एडवांस टैक्स पे किया इन दोनों का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि असेट है डेफर डेफर टैक्स क्या होता है डेफोटेस लाइब्रेटी सॉरी करंट टैक्स लाइब्रेटी मतलब सी टी इसको दूसरी भाषा में आप बोलते हो प्रोविजन फॉर टैक्स इनका क्रेडिट बैलेंस होता है इसकी एंट्री क्या पास होती है एंट्री होती है पी पीएंडल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स एक्स लाइब्रेटी पीएंडल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स लाइब्रेटी इसीलिए एक हिस्सा चला गया पीएंडल में और दूसरा हिस्सा चला गया आपके बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स की बात करें तो डेफर टैक्स भी दो टाइप के होते टैक्स डेफेटेस डेफर टैक्स अट की एंट्री क्या होती है टैक्स असेट डेबिट टू पीएंडल और टैक्स लाइब्रेटी की एंट्री क्या होती है पीएं डेबिट टू टैक्स लाइब्रेटी मोरल ऑफ द स्टोरी चाहे आप टैक्स असेट क्रिएट करो चाहे आप टैक्स लाइब्रेड क्रिएट करो चाहे आप करंट टैक्स लाइब्रेड क्रिएट करो ये सब आपके पी पी से थ्रू थ्रू के कनेक्टेड होते हैं ये आपके सब पेएडल में जाते हैं आप ध्यान से देखिए ये तीनों आपके पी पेएडल में जाते हैं अफकोर्स ये आपका पी पेएडल में नहीं जाता क्योंकि ये किसी और ने आपका काटा है टीडीएस काटा है किसी और ने आपका टीडीएस काटा है या फिर आपको आपने एडवांस टैक्स पे किया है तो आपने एंट्री की है एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ठीक है तो असेट की बात नहीं करंट टैक्स असेट की बात नहीं कर रहा हूं वो पी पेन्डल नहीं जाता पर ये तीनों चीजें आपके पी एंडल में जाती है अब देखो आपका फॉर्मूला क्या क्या बन रहा है आपका हो क्या रहा है यहां पर आपका पी एंडल डेबिट हो रहा है यहां पर भी आपका पी एंडल डेबिट हो रहा है मतलब करंट टैक्स करंटैक्स लाइब्रिटी टैक्स लाइब्रिटी तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई भाई ये दोनों भाई भाई और ये ये आपका इनकम पेंडल क्रिएट हो रहा है तो फॉर्मूला क्या फॉर्मूला क्या बन गया टैक्स लाइब्रिटी प्लस डेफर टैक्स लाइब्रिटी माइनस डेफर टैक्स असेट दोनों प्लस ये माइनस और इसको आप कहते हो टैक्स एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस आपका पीएंटल में जाता है क्योंकि ये तीनों आपके पीएंटल में तो जा रही है ना जब ये तीनों आपके पेएडल में जा रही हैं तो तीनों का ही मिक्स एक ही नाम क्या होगा टैक्स एक्सपेंस जो की आपके पीएंटल में जाता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब मैंने आपको बोला अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस डिफरेंसेस अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच के डिफरेंसेस दो टाइप के डिफरेंस होते हैं एक होते हैं परमानेंट डिफरेंस एक होते हैं टाइमिंग डिफरेंस एग्जांपल के साथ बात करेंगे आप एक्सपेंस की बात करूं एक्सपेंस अगर आपका एक्सपेंस डिसलाउ हो रहा है इनकम टैक्स में और टेम्पररी डिसअलाउ हो रहा है टेम्पररी डिसअलाउ मतलब बाद में अलाउ हो जाएगा सर ऐसा कब होता है सेक्शन फोर्टी थ्री बी एक्सपेंडिचर अलाउड ऑन कैश बेसिस अभी आपने उसका प्रोविजन बनाया वो आपका डिसअलाउ हो गया जब आप कैश में पे करोगे तो अलाउ हो जाएगा तो अगर आपके कोई एक्सपेंसिस डिसअलाउ हो, हो रहे हैं उसकी वजह से आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस आपका टाइमिंग डिफरेंस होगा तो टाइमिंग डिफरेंसिस का मतलब क्या होता है टाइमिंग डिफरेंसिस मतलब टेंपररी डिफरेंसेस टेंरी डिफरेंसेस आज डिस हुआ अगली बार अलाउ होगा आज एक्स्ट्रा अलाउ हुआ अगली बार डिसअलाउ होगा ऐसा अभी प्रोविजन फॉर बैड डेट डिसअलाउ हो गया आगे चल के बैड डेट जब एक्चुअल में होगा तो अलाउ हो जाएगा तो ये टेम्पररी डिफरेंसेस होते हैं इसलिए यहां पर क्या लिखा है अराइज इन वन पीरियड एंड टू बी रिवर्स्ड इन द फ्यूचर आज Difference arise हुआ है ये difference अगली बार reverse हो जाएगा तो कौन-कौन है, से हैं 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 वाले तो हैं है है ही इसके अलावा ये सब आपके temporary differences है। और इन्हीं के ऊपर आपको डेफर तो किसके ऊपर नहीं बनते परमानेंट डिफरेंसेस टाइमिंग डिफरेंस को मैंने क्या बोला टेम्प्री परमानेंट को तो ही बोलेंगे ना उसका कोई दूसरा नाम थोड़ी दूंगा मैं अराइज इन वन पीरियड एंड नो रिवर्सल इन फ्यूचर रिवर्स नहीं होते जैसे personal personal expenses, personal expenses पर्सनल एक्सपेंडिचर तो पर्सनल एक्सपेंसिस पेनल्टी डोनेशन आपके डिस अलाउ तो हो गए फ्यूचर में कभी अलाउ नहीं होंगे तो कभी रिवर्स नहीं होगा आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सीबल इनकम का डिफरेंस आज क्रिएट हुआ है यह डिफरेंस हमेशा बना रहेगा ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा इसीलिए उसको बोलते हैं परमानेंट डिफरेंस व्हाट इज द आइडिया हम डीटीए डिटेल क्यों बनाते हैं एक्चुअली में आपको बताया गया डिफरेंस पे बनता है क्यों क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस जो होते हैं वो टेम्पररी नेचर के होते हैं आज अकाउंटिंग और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ रहा है आगे चल के ये डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा इसीलिए आज आप डीटीए डिटेल बना रहे हो आगे चल के उसको रिवर्स कर दोगे आप आगे चल के उसको क्या कर दोगे रिवर्स टू डू यू नीड टू बी ऑनलाइन आई बात समझ में कि नहीं पर जो परमानेंट डिफरेंस होते आज डिफरेंस तो आया पर आगे चल के ये डिफरेंस कभी रिवर्स नहीं होगा तो आज तुम अगर डीटीए बना भी लो इसके ऊपर तो वो तुम्हें मैं टी कभी रिवर्स होगा ही नहीं तो ऐसा डीटीए ऐसा डीटीएल जो फ्यूचर में कभी रिवर्स ही नहीं हो सकता वो कभी बनेगा ही नहीं ठीक है अब बात करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कि डीटीए मतलब क्या टुडे फ्यूचर डीटीए मतलब आज टैक्स ज्यादा लगा फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी और डी मतलब आज टैक्स कम लग रहा है और फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मोर टैक्स मोर टैक्स तो डी टी ए क्या बोल के कि फ्यूचर में सेविंग होगी डीटीएल मतलब क्या बोल के कि फ्यूचर में ज्यादा टैक्स लगेगा सबको है समझ में ठीक है तो इस बेसिस पर आपका डीटी रिटेल बनता है ठीक है क्लियर तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाला पार्ट डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम वाला पार्ट ये पार्ट मैंने अभी जैसे आपको समझाया कि आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होते हैं करंट टैक्सेस होते हैं करंट टैक्स असेट होता है करंट टैक्स लाइबिलिटी होता है करंट टैक्स लाइबिलिटी आपका क्या क्या एंट्री होता है करंट टैक्स होता करंटैक्स अट सॉक्सा टैक्स 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 अस के क्या क्या एंट्रीज होते हैं टैक्स सेविंग इन फ्यूचर टैक्स ऑफ फ्यूचर इसकी क्या क्या एंट्रीज होती है ये सब मैंने आपको बता दिया था जस्ट मैंने अभी आपको ये ऊपर के चार्ट में बता दिया था ठीक है अब डेफा टैक्स असेट और डेफा टैक्स लाइब्रेरी में थोड़ा सा फर्क है थोड़ा सा बहुत सारा फर्क है ये तो है वो तो असेट है पर डेफा टैक्स लाइब्रेड कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डेफेटेक्स लाइब्रेरी आपकी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेस पर है जबकि अगर आप देखोगे तो डेफेटेक्स असेट इट इज अपोजिट ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट है प्रूडेंस बोलता है फ्यूचर के प्रॉफिट की मत सोचो हम डीटीए बना रहे फ्यूचर के टैक्स सेविंग की सोच रहे प्रूडेंस बोलता है फ्यूचर के लॉसेस की सोचो हम लॉसेस की नहीं फ्यूचर के प्रॉफिट्स की सोच रहे हैं ये बिल्कुल अपोजिट है तो सर अगर अपोजिट है तो फिर डीटीए बनाते क्यों हैं उसी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले डी टी बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ तब जब पैरा 15 की कंडीशन या पैरा 17 की कंडीशन फुलफिल होगी तो ही अदरवाइज डीटीए नहीं बनेगा बिकॉज इट इज अपोजिट ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बोला कि डीटीए मतलब क्या डीटीए मतलब आज टैक्स ज्यादा लगा है पर फ्यूचर में मुझे उसकी रिकवरी हो जाएगी फ्यूचर में मुझे उसकी रिकवरी हो जाएगी आज टैक्स ज्यादा लगा है फ्यूचर में मुझे उसकी टैक्स की रिकवरी हो जाएगी कैसे होगी थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के रूप में करेंगे तो बेटर समझ में आएगा टुडे, आज एक्सपेंस डिसअलाउड, आज एक्सपेंस डिसअलाउड हुआ है वन लाख रुपीस का इन फ्यूचर इट विल बी अलाउड अगेंस्ट टैक्सेबल इनकम ऑफ फ्यूचर फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट मुझे ये आगे चल के अलाउ हो जाएगा आज पर फ्यूचर में यही एक्सपेंस मेरी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगा फ्यूचर में यही एक्सपेंस मेरी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देगा भाई साहब टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होनी भी तो चाहिए अगर मैं एक लॉस मेकिंग कंपनी हूं तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट द फ्यूचर टैक्सेबल इनकम तो बस ए एस पर बोलता है कि क्या तुझे लगता है कि तुझे फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी क्या तुझे फ्यूचर में टैक्सेबल होने की संभावना दिख रही है क्या तेरे पास एश्योरिटी है कि फ्यूचर में तुझे टैक्सेबल इनकम होगी अगर हाँ तो तू आज डीटीए बना ले फ्यूचर में इनकम होगी ये एक्सपेंस एक्सपेंस इनकम इनकम से डिसअलाउड होगा बात खत्म पर अगर तुझे लगता है है कि कि फ्यूचर में तो सिर्फ की ही होगी और तेरे पास तो पड़ा लाख तक का जो आगे अलाउड होगा और 80,000 थाउजेंड की इनकम के बाद, को बाद फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा तो मुझे बता तुझे आज डीटीए कितने के ऊपर बनाना चाहिए क्या तू डीटीए आज पूरे वन लाख के ऊपर बनाएगा कि अपटू एंड पे बनाएगा बच्चों सवाल का जवाब दो मेरे को सवाल का जवाब दो मेरे को सिर्फ एटी थाउजेंड तक बनाएगा सिर्फ एटी थाउजेंड तक बनाएगा तो तू आज डीटीए बनाएगा सिर्फ एटी थाउजेंड तक की इनकम तो तुझे क्या चेक करना है तुझे फ्यूचर टैक्सेबल इनकम की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी कि नहीं होगी अगर होगी जितनी होगी उतने तक के ऊपर तू डीटीए बनाएगा अगर ज्यादा होता वन एटी हो जाता तो तू पूरे के ऊपर वन लैख के ऊपर बना ले अंडरस्टूड तो तुझे क्या करना पड़ेगा डीटीए बनाने के लिए तुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ टैक्सेबल इनकम चेक करनी पड़ेगी क्या चेक करनी पड़ेगी फॉर डी टी ए यू हैव टू चेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम चेक प्रॉबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर टैक्सेबल इनकम अब जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि डी टी ए बहुत सारे रीजन के कारण बनता है बहुत सारे आइटम्स के कारण बनता है उन्हीं आइटम्स को बस दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है उन्हीं आइटम्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है एक है आपका पैरा फिफ्टीन दूसरा है आपका पैरा सेवनटीन कुछ आइटम आपके पैरा फिफ्टीन में कवर हो रहे हैं कुछ आइटम आपके पैरा सेवनटीन में कवर हो रहे हैं कुछ आइटम आपके पैरा फिफ्टीन में हो रहे हैं कुछ आइटम आपके पैरा सेवनटीन में हो रहे हैं ठीक है तो पैरा फिफ्टीन पैरा सेवनटीन में कौन कौन से आइटम्स आपके कवर हो रहे हैं आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? नहीं बोलो जी समझ में आ रही बात की नहीं तो क्या है ध्यान से देखिए डी पहले तो बताइए किस किस आइटम पे बनेगा डी ऑन पहला डेप्रिसिएशन बोनस नॉट येट पेड एक्सपेंसेस डिस अलाउड अंडर सेक्शन फोर्टी थ्री बी प्रोविजन फॉर बेडेट्स और बनता है अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन्स कैरी फॉरवर्ड टू अनलिमिटेड सेसमेंट इजनेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड टू एट असेसमेंट इनके ऊपर हाँ एक बच्ची ने सही जवाब दिया कि सर परिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर भी लगता है परिलिमिनरी एक्सपेंस के ऊपर भी डीटीए बनता है डेवलपमेंट सॉरी रिसर्च आर एक्सपेंडिचर ऐसे इन सबके ऊपर बनता है इनमें से ये दो आइटम्स के ऊपर जब डीटीए बनेगा ना तो आप लगाओगे आप लगाओगे पैरा सेवनटीन और बाकी के ऊपर आप लगाओगे पैरा फिफ्टीन बस ये ध्यान रखना है सबके ऊपर डीटीए बनता है पर इन दो पर पैरा सेवनटीन के प्रोविजन लगेंगे और बाकी के ऊपर पैरा फिफ्टीन यू मान लो पैरा फिफ्टीन थोड़ा सा लीनियंट है थोड़ा सा बोलता है चलो ठीक है बना लो कुछ सिचुएशन बना लो पैरा सेवनटीन थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा सख्त 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 है कम है कम दोनों पैराग्राफ्स प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि फ्यूचर में आपके पास टैक्स फ्यूचर टैक्सेबल इनकम की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं पर पैराफिफ्टीन बोलता है कि बस आप रीजनेबल सर्टनिटी चेक करो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट होगा कि नहीं रीजनेबल सर्टनिटी क्या होता है सर रीजनेबल सर्टनिटी क्या होता है तुम फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कमा लोगे कि नहीं कमा लोगे चेक कर लो मोर देन फिफ्टी परसेंट चांसेस अगर फिफ्टी परसेंट से भी ज्यादा चांसेस हैं बना लो बना लो बना लो येस चांसेस हैं बना लो नहीं चांसेस नहीं है फिफ्टी परसेंट से ज्यादा फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम होगी कि नहीं होगी उसके चांसेस फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है क्या हाँ बना लो नहीं मत बनाओ पर पैरा सेवेंटीन जो कि इन दो आइटम्स पे बात करता है वो बोलता है कि फ्यूचर की टैक्सेबल इनकम होगी कि नहीं होगी उसके लिए रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं वर्चुअल सर्टेनिटी साथ साथ उसके एविडेंस के साथ वर्चुअल सर्टेनिटी मतलब नाइंटी परसेंट और मोर चांसेस नाइंटी परसेंट और मोर चांसेस फ्यूचर में टैक्सेबल इनकम कमाने के चांसेस 90 परसेंट या उससे ज्यादा है कि नहीं और हैं, तो उसका क्या एविडेंस है तुम्हारे पास कोई कस्टमर ऑर्डर है यहां पर जब एविडेंस की बात करें तो समझ जाना कस्टमर ऑर्डर की बात कर रहा है किस बेसिस पे तुम्हें तुम बोल रहे हो कि तुम्हें इनकम होगी फ्यूचर में तुम्हें क्या आने वाले दो तीन साल के ऑर्डर मिल गए कस्टमर से तुम्हारा सेल एश्योर्ड है गवर्नमेंट गारंटीड है हाँ, तो कह सकते हैं कि हां भाई एविडेंस भी है और 90 परसेंट से ज्यादा चांसेस हैं, फिर ऐसे केस में इन दो आइटम्स के ऊपर तुम डीटीए बना सकते हो गाइस हैव यू दिस कॉन्सेप्ट? तो ये लिस्ट ऑफ आपको समझ में आ गया होगा अच्छा जो भी मैं लिख रहा हूं ना ये सब ये सब मैं बाय द वे एनी वे में शेयर कर दूंगा डोंट वरी है ना ये मैं सब शेयर कर दूंगा हो सकता है माइट भी किसी को लगे राइट गाइस चलिए तो ये हो गया रीजनेबल सर्टेनिटी वर्चुअल सर्टेनिटी अब आते हैं कुछ और आइटम्स पे स्पेशल केसेस एक है आपका टैक्स हॉलिडे पीरियड और एक है आपका मैट तो टैक्स हॉलिडे पीरियड को पहले सुन लो टैक्स हॉलिडे पीरियड टैक्स हॉलिडे पीरियड मान लीजिए ये आपका टैक्स हॉलिडे पीरियड है इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और उसके बाद आपका टैक्सेबल पीरियड हो रहा है फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर एंड सो ऑन फिफ्थ ईयर सिक्स ईयर एंड सो ऑन अब हुआ ये कि फर्स्ट ईयर में टाइमिंग डिफरेंस आया हंड्रेड का हंड्रेड करोड़ का जिस पे मुझे लाइबिलिटी बनानी है ठीक है ये जो टाइमिंग डिफरेंस है अगर ये रिवर्सिबल है तो ही टाइमिंग डिफरेंस है रिवर्सिबल नहीं है तो परमानेंट है परमानेंट पे ऊपर डीटी रेडियर बनता नहीं है पर प्रॉब्लम ये है ये चार साल तक टैक्स हॉलिडे पीरियड चल रहा है टैक्स हॉलिडे पीरियड मतलब टैक्स की छुट्टी कुछ भी कर लो कैसा भी कर लो जोड़ तोड़ कर लो बना लो कुछ भी कर लो टैक्स नहीं लगने वाला जितना भी टिस करना चाहते हो कर लो मेरा टैक्स नहीं लगेगा ये टाइम इन डिफरेंस में से यहां पर 20 करोड़ का रिवर्सल होगा यहां पर थर्टी करोड़ का रिवर्सल होगा यहां पर टेन करोड़ का रिवर्सल होगा यहां पर फिफ्टीन करोड़ का रिवर्सल होगा और बचा हुआ ट्वेंटी फाइव करोड़ रिवर्सल यहां होगा एस yes, कहता है टोटल हंड्रेड के ऊपर तुम्हें डीटीए बनाने की जरूरत नहीं है डीटीएल बनाने की जरूरत नहीं है तुम ये देखो कि उसमें से कितना डिफरेंस तुम्हारे टैक्स हॉलिडे पीरियड में डिफरेंस रिवर्स हो रहा है जितना डिफरेंस तुम्हारा टैक्स हॉलिडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इतने डिफरेंस भले तुम्हारे रिवर्स हो रहे हैं टैक्स हॉलिडे पीरियड में हो रहे है ना वैसे भी प्रॉफिट ऑफिट कुछ भी नहीं। वैसे भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी तुम आज बोल रहे हो लाइब्रीटी लाइब्रिटी लाइब्रिटी मतलब फ्यूचर में टैक्स लगेगा अरे नहीं लगेगा कम से कम सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर में टैक्स नहीं लगेगा तो इसमें से कितना काम का नहीं है वो हटा दो ट्वेंटी थर्टी टेन कितना काम का नहीं है सिक्सटी नो यूज बचा कितना फोर्टी जो कि तुम्हारा टैक्सेबल पीरियड में डिफरेंस हो रहा है रिवर्स हो रहा है तो फोर्टी के ऊपर तुम डी टी एल क्रिएट करोगे ऑन फोर्टी आई बात समझ में तो रूल क्या है जितना डिफरेंस टैक्स हॉलिडे पीरियड में रिवर्स हो रहा है उसके ऊपर डिफर टैक्स लाइब्रेटी एसेट क्रिएट नहीं होगा यही था तुम्हारा टैक्स हॉलिडे पीरियड क्या बोल रहा है टाइमिंग डिफरेंसेस टाइमिंग डिफरेंसेस अराइज इन टैक्स हॉलिडे पीरियड एंड रिवर्स इन टैक्स हॉलिडे पीरियड इग्नोर No तो ऐसे केस में आप डी रिटेल क्रिएट करोगे जब आपका टैक्स हॉलीडे पीरियड अराइज होगा अब आते हैं मैट पर अब आते हैं मैट पर मैट के केस में मैट का डिफरेंट रेट होता है और मैट का डिफरेंट प्रॉफिट होता है जिसको बुक प्रॉफिट बोलते हैं उसको निकाला जाता है सेक्शन वन वन फाइव जेबी के हिसाब से डिफरेंट रेट होता है आई थिंक कुछ सत्रह 18 परसेंट का रेट होता है वॉट जो भी रेट होता है उससे मतलब नहीं है मुद्दा यह है कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें मैट का रेट दिया हुआ है और मैट का प्रॉफिट दिया हुआ है डीटीए डीटीएल के लिए ये सब कुछ इग्नोर होगा डीटीए डीटीएल के लिए फॉर डेफर टैक्स असेट लाइबिलिटी तुम क्या लेते हो टाइमिंग डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस क्या आता है अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम ये बुक प्रॉफिट अलग है और जो भी आता है उसका परसेंटेज क्या करते हो रेगुलर टैक्स रेट रेगुलर टैक्स रेट ना कि मैट रेट मैट रेट नहीं करते हो तो डीटीए डीटेल के लिए तुम्हें मैट के को बीच में नहीं घुसाना है तो सर फिर मैट आया ही क्यों मैट का फंडा यह है कि मान लो तुम्हारी टैक्सेबल इनकम है हंड्रेड करोड़ उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट का तुम्हारा रेट है तो ट्वेंटी फाइव करोड का तुम्हारा रेगुलर टैक्स हो गया तुम्हारा बुक प्रॉफिट जो मैट वाला है वो है मान लो थ्री हंड्रेड करोड़ और मान लो मैट का रेट है पंद्रह परसेंट फिफ्टीन परसेंट तो ये हो गया फोर्टी फाइव करोड़ इनकम टैक्स बोलता है कि आपको ये वाला टैक्स पे करना पड़ेगा ए एस नहीं बोलता है इनकम टैक्स बोलता है कि आपको ये वाला पे करना पड़ेगा पे दिस अब आप ये पे कर रहे हो जबकि आपने तो अपनी करंट टैक्स ये निकाला था यह आपने करंट टैक्स लाइब्रेटी निकाली थी ट्वेंटी फाइव जबकि आपकी लाइब्रेट ट्वेंटी ज्यादा है तो एक्चुअली में जो डिफरेंस होता है ना डिफरेंस इज एक्सेस लाइब्रेटी वो बस आपसे ना एक्सेस मैट लाइब्रेटी पूछेगा एक्सेस लाइब्रेटी है आपकी ट्वेंटी करोड जिसकी एंट्री आप करते हो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू मैट लाइब्रिटी जो आप एक्स्ट्रा मैट लाइब्रिटी करते हो अब आप ध्यान से देखो अब आपका टैक्स एक्सपेंस के अंदर क्या क्या आ गया अभी तक आपके टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स लाइब्रेटी आ रहा था उसमें आप ऐड कर रहे थे डेफर टैक्स लाइब्रेटी लेस कर रहे थे डेफर टैक्स असेट अब आपका मैट लाइब्रेटी भी आ गया मेट लाइब्रेटी मतलब एक्सेस टैक्स और करंट टैक्स लाइब्रेटी क्या है रेगुलर टैक्स तो ये हो गया आई बात समझ में बच्चों यहां तक कोई डाउट ठीक है तो नो इंपैक्ट ऑफ डीटी कैलकुलेशन डीटी कैलकुलेशन और मैट का कोई इंपैक्ट नहीं बनेगा फॉर डीटी कैलकुलेशन इग्नोर बुक प्रॉफिट एंड मैट रेट ट्रीटमेंट ऑफ मैट इफ मैट इज मोर देन रेगुलर टैक्स एक्सेस ऑफ मैट ओवर रेगुलर टैक्स इसको आप एडिशनल टैक्स लाइब्रेटरी बनाते हो टैक्स एक्सपेंस बनाते हो ठीक है और कौन कौन सी चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लाइब्री को आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं क्या ऑफ सकते हैं लीगल राइट टू सेट ऑफ एंड इंटेंशन टू सेटल ऑन बेसिस एंटिटी के पास लीगल राइट right है क्या क्या लॉ में उसको अथॉरिटी दी गई है क्या जैसे कि जैसे कि लॉ में आपको अथॉरिटी दी गई है uh, कि आप टीडीएस और टैक्स लाइब्रिटी सेम तो रिटर्न में करके नेट ऑफ करके नेट टैक्स पे कर सकते हो अगर आपका पहले से ही टीडीएस कट चुका है सेम असेसमेंट ईयर का तो नेट करके आप बाकी का रिमेनिंग टैक्स पे करो तो अथॉरिटी दी गई है तो कर सकते हो ठीक है तो अगर आपको लॉ में अथॉरिटी दी गई है और आपका इंटेंशन है सेटल करने का तो डेफिनेटली आप उसको नेट करके दिखा सकते हो अदरवाइज नॉट पॉसिबल आप उनको अलग अलग ही दिखाओगे प्रेजेंटेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स बैलेंस शीट में कैसा प्रेजेंटेशन करोगे करंट एसेट करंट टैक्स लाइब्रिटी ये आपके हमेशा करंट असेट्स में जाएंगे और करंट करंट लाइब्रेरीज में जाएंगे जबकि डीटीए डीटीएल ये आपके नॉन करंट है पी एंड एल में आफ्टर पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद आपको ये शो करना है शो टैक्स एक्सपेंस ऑन करंट टैक्स डेफर टैक्स लाइब्रेरी रिकॉग्नाइज डेफर टैक्स एसेट रिकॉग्नाइज और डेफर टैक्स एसेट रिवर्स्ड और डेफर टैक्स लाइब्रेरी रिवर्स्ड और यहां पर एड कर दो मैट एक्सेस लाइब्रेरी ये वाला रिमेंबर बीटी रिटेल नो डिस्काउंटिंग एट प्रेजेंट वैल्यू नो डिस्काउंटिंग एट प्रेजेंट वैल्यू डीटी रिटेल की कभी कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी सर वैसे डिस्काउंटिंग की बात ही क्यों हो रही है बेटा डिस्काउंटिंग इसलिए बात हो रही है क्योंकि फ्यूचर में टैक्स लगेगा ना फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी ना तो उसकी डिस्काउंटिंग जरूरी है क्या नहीं एमसीक्यू में आता तो ध्यान रखना मेजरमेंट एट एप्लीकेबल टैक्स रेट measurement at applicable tax rate dt retail को आप मेजर कैसे करोगे जो भी उनके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा मतलब अगर मान लो अगले साल का dt निकाल रहे हो तो अगले साल का टैक्स रेट लेना पड़ेगा अगर वो फाइनेंस uh, एक्ट में आ चुका है तो रिव्यूड रिकैलकुलेटेड एट ईच बैलेंस शीट डेट अगर आपको लगता है कि dt मैंने फालतू में बना लिया अब वो रिवर्स नहीं होने वाला तो उसको हटा दो उसको uh, उसको डीरेकग्नाइज कर दो दैट्स इट तो ये था आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम ठीक है एक इसमें मुझे कल ही एक बच्ची ने डाउट पूछा था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे एक बच्ची ने डाउट पूछा था कि सर कभी किसी क्वेश्चन में डीटी ए क्रिएट होता है तो कभी किसी क्वेश्चन में डीटी एल रिवर्स होता है सर समझ ही नहीं आता इंस्टीट्यूट क्या करता है कभी किसी क्वेश्चन में डीटीए क्रिएट करो या कभी किसी क्वेश्चन में डीटीएल रिवर्स करो दोनों का एक्चुअली ट्रीटमेंट सेम है एंट्री सेम होती है डीटीए क्रिएट करोगे तो क्या एंट्री करोगे टीटीए टू पी एंड डीटीएल रिवर्स करोगे तो क्या एंट्री होगी डीटीएल टू पी एंड दोनों के केसेस में तो पेंडल पेंडल क्रेडिट ही हो रहा है ना सर कभी ये होता है कभी ये होता है सर समझ ही नहीं आता है क्या आपने ये चीज फील किया क्या कभी ऐसा इक्का दुक्का किसी क्वेश्चन में है एक्चुअली तो मैं आपको आज बता देता हूं कि आपको करना क्या है आपको जब भी क्वेश्चन आए और आपके क्वेश्चन में आपके पोले आपको वो लोग बहुत सारे आइटम्स देंगे कि बताइए इस पर डीटीए बन रहा है कि डी टी एल बन रहा है ठीक है तो आप हमेशा क्रिएशन का ही सोचोगे हमेशा क्रिएशन का सोचोगे सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहां पर आप क्रिएट मत करना उल्टा रिवर्स कर देना देखो मतलब मेरा कहना है पॉइंट में अगर स्पेसिफिकली रिवर्सल की बात की तो फिर रिवर्स ही करोगे ना पॉइंट में अगर स्पेसिफिकली क्रिएशन की बात की तो क्रिएशन ही करोगे पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर वो उलझाता है मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं देखो जी ईयर डेप्रीसिएशन एस पर बुक्स करंट ईयर डेप्रिसिएशन एस पर बुक्स 50 करोड और करंट ईयर डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स फोर्टी करोड पहले तो आप क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या बन रहा है सोचो क्या बन रहा है क्या लगता है आपको क्या बन रहा है डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स आज तुमने बुक्स में फिफ्टी का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है पर आज आज इनकम टैक्स तुम्हें तो सिर्फ फोर्टी का ही डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा करवा रहा है आज 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 मैं बता रहा हूं देखो आज 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 टैक्स ज्यादा लग रहा है आज टैक्स ज्यादा लग रहा है बोलो हाँ या नहीं आज टैक्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि इतना डिप्रिसिएशन 50 करोड़ का डेप्रीशन तुम्हारा डिसलव हो जाएगा और तुम्हें सिर्फ 40 का ही मिलेगा तो लॉजिकली तुम्हें क्या लग रहा है कि डीटीए क्रिएट होना चाहिए तुम्हें लग रहा होगा कि डीटीए क्रिएट कर लो बात कदम है ना पर मेरे दोस्त ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना मेरी बात इंस्टीट्यूट यहां पर डीटीए क्रिएट नहीं करता बोलता है कि इस केस में तुम्हें डी को रिवर्स करना है तुम बोलोगे हरी बाबा मुझे कैसे पता चला मुझे कैसे पता चला हालांकि एंट्री का इफेक्ट वही होगा पर तुम्हें डिटेल रिवर्सल करना है क्यों इंस्टीट्यूट यहां पर ये अज्यूम करके चलता है और उसका अजम्सन सही भी कि अभी करंटली इनकम टैक्स का इनकम टैक्स के अंदर डेपरिशन कम मिल रहा है मतलब पहले ज्यादा मिल चुका होगा सर क्यों इंस्टीट्यूट बोलता है कि नॉर्मली टैक्स के अंदर डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड होता है और डब्ल्यूडीवी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की खासियत यह है कि इनिशियल ईयर्स में बहुत अच्छा खासा डेप्रिसिएशन मिलता है और धीरे धीरे आके डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाता है तो अगर अभी डेप्रेशन का अमाउंट कम है तो इसका मतलब पहले डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ज्यादा मिल चुका होगा और इस वजह से आज टैक्स लग रहा है तो अगर तुम पास्ट में जाओ मैं पास्ट में खड़ा देखो मैं इतना दूर हो गया मैं पास्ट में खड़ा हूं तो पास्ट के पीरियड में इनकम टैक्स ने मुझे बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन दे दिया बहुत ज़्यादा पास में मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन तो मैं पास पे मैं बोल रहा हूं, अरे आज मजा आ गया मेरे को फ्यूचर में मेरी बैंड बजेगी तो फ्यूचर, बजे फ्यूचर में मुझे डिप्रेशन का बेनिफिट कम मिलेगा अब वो फ्यूचर यहां पर अब करंट आ गया अब बताओ यहां पर वही हो रहा है फ्यूचर में मेरी बैंड बज रही है वो फ्यूचर आज करंट ईयर हो चुका है अब मेरी बैंड बज रही है तो उस टाइम पर मैंने क्या क्रिएट किया था डीटीएल तो अब मुझे क्या करना चाहिए डीटीएल रिवर्सल तो बस ये वाला एक इंपॉर्टेंट है जहां पर तुम उलझोगे बाकी तो तुम्हें साफ साफ पता चलेगा कि यार रिवर्स हो रहा है कि डीटीएल क्रिएट हो रहा है ये वाला एक इंपॉर्टेंट है बस समझा गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको चेक करवा लेता हूं सर प्लीज कवर कंसोलिडेशन एस डियर आज का वो सेशन में टारगेट नहीं है बेटा आज के सेशन में टारगेट नहीं है वो आई कंसोलिडेशन एस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ बेटा तो आप चाहो तो अलग से मेरा यूट्यूब पे जाके देख लेना या तो मैं अपकमिंग डेज में फर्दर अगर कोई मैराथन वगैरह लूंगा एग्जाम से पहले जो मैराथन होती है उसमें मैं एक बार क्विक रिविजन तब कर लूंगा तो एक ऑलरेडी कवर हो चुका है और एक फ्यूचर में जो कवर होगा वो कोई आपका फ्यूचर में अभी एग्जाम से पहले जो मैराथन होते हैं उसमें हो जाएगा ये देखिए ये वही है ये वाला पॉइंट पढ़िए डेप्रीसिएशन एज पर सेवेंटी और टैक्स के हिसाब से फोर्टी टू तो टैक्स के हिसाब से अभी कम है मतलब पहले बहुत ज्यादा दे दिया गया होगा उस टाइम पे लाइब्रेरी बनाई होगी अभी मैं डीटीएल को रिवर्स करूंगा तो इसीलिए देखो यहां पर वो रिवर्सल ऑफ डीटीएल कर रहा है कुछ आया समझ में कुछ आया समझ में दूसरा एक्सपेंस डिस हमारा कौन सा साल है

ये बोल के कि फ्यूचर में टैक्स की सेविंग होगी तो लास्ट ईयर मैंने डीटीए बनाया होगा अलाउड फॉर टैक्स पर्पज इन 2021 14 तो ये हो गया मेरा डीटीए का रिवर्सल डीटीए का रिवर्सल क्योंकि लास्ट ईयर मैंने डीटीए बनाया होगा तो करंट ईयर अब मुझे अलाउड हो रहा है तो डीटीए का रिवर्सल ये कौन सा डीटीएल का रिवर्सल

इनकम टैक्स ने मुझे उसका दिया वन टेन मतलब सेवन ओनली बाकी का डिसलाउ कर दिया मतलब लास्ट ईयर मैंने डीटीए बनाया होगा करंट ईयर मुझे देखो वापस से थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है तो डीटीए का रिवर्सल डीटीए रिवर्सल ऑन सेवन लैक्स डीटीए रिवर्सल ऑन सेवन लैक्स रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी वर मेड ड्यूरिंग द ईयर वन फॉर वन फोर्टी लैक्स

तो पहला क्या था डीटीएल रिवर्सल दूसरा क्या था डीटीए रिवर्सल रिवर्सल ऑफ डीटीए तीसरा क्या था डीटीए रिवर्सल और चौथा क्या है डीटीएल क्रिएशन तो इनक्रीज और नॉट डन ये मैट वाला और ये सब चीजें आप कर लेना बाकी ये सब क्यू आर कोड बेटा डले हुए हैं तो आप इसको खुद ही जल्दी से जल्दी कर सकते हो क्योंकि क्यू आर कोड डले हैं तो यू कैन डू इट एट योर कन्वीनियंस तो गईस इसी के साथ हमारा ए एस ट्वेंटी टू भी खत्म ठीक है अभी कितना टाइम बज रहा है अभी ग्यारह बजने वाले हैं ठीक है नो डाउट no अभी अपने पास थोड़ा सा समय और है अब अपन आगे बढ़ेंगे और अब अपन करेंगे ए एस ट्वेंटी फाइव अब अपन करेंगे ए एस ट्वेंटी फाइव ए एस ट्वेंटी फाइव सेशन कब तक चलेगा सर इलेवन uh, थर्टी तक प्रोबेबली देखो ए एस ट्वेंटी फाइव तो अभी हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर अपन डिसाइड करेंगे मेरे में भी कितनी ताकत है आप में भी कितनी ताकत है अगर लगा तो अपन एक आध सेशन और ले लेंगे क्या पर? दिक्कत है भाई लगा तो अपन एक और सेशन और ले लेंगे अगर यहां पर कोई ब्रांच वाले लोग बैठे हैं और वो सुन रहे हैं तो वो हम मुझे हमें बता देंगे अगर उनको लगा तो हम सेशन एक आध और ले लेंगे शाम वाम को कभी कल शाम को सेशन वगैरह और ले लेंगे देखते हैं ठीक है तो अगर कोई ब्रांच का यहां पर है बैठा है तो वो इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर जैसे आज मैंने छह टॉपिक्स का टारगेट रखा था पर मान लीजिए अगर सपोज अभी चार टॉपिक्स हो पाए दो टॉपिक बच गए सो इफ दे वांट आई कैन बी अवेलेबल टुमारो इवनिंग आल्सो टुमारो इवनिंग यस टुमारो इवनिंग आल्सो आई कैन बी अवेलेबल ठीक है इवनिंग में टाइम क्या होगा सर आपका इट बी टू दो घंटे मतलब ये डिपेंड दे करता है कि आपके बच्चे और आप लोग कैसे क्या मैनेज कर पाते हो बट बिफोर एट थर्टी मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज आई एक्चुअली केम होम एट एट ओ क्लॉक तो थोड़ा सा आधे घंटे का थोड़ा रेस्ट वगैरह लेके आई कैन बी अवेलेबल टनिंग एट थर्टी टू टेन थर्टी फॉर वाले जो बचे हुए टॉपिक मुझे बचेंगे वो मुझे लगता है कि एक ए एस सेवन बच जाएगा एक ए एस छब्बीस और ए एस उन्तीस ये तीन ए एस तो बचेंगे ही बचेंगे तो अपन वो कल शाम को ले सकते हैं कल शाम को ठीक है ना मैं अनुराग को कॉन्फर्म बोल दूंगा अनुराग आपसे कॉन्टेक्ट कर ले हाँ, पर ये बिल्कुल ही ब्रांच के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए मैं उनको तो एक तकलीफ नहीं देना चाह रहा हूं ये ब्रांच के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है ना ठीक सर ओके सर ओके ठीक है चलो तो अभी अपन बात करेंगे ए एस ट्वेंटी फाइव द रीजन वाई आई एम नॉट क्या बोलते हैं इसको मैं स्ट्रेच इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं चाहूं तो मैं बारह साढ़े बारह तक कर लू पर क्या ना धीरे धीरे एनर्जी गिरती जाती है टीचर की भी और बच्चों की भी तो वो गिरी हुई एनर्जी में क्या समझेगा क्या नहीं समझेगा थोड़ा मजा नहीं आएगा तो बेटर है कि अपन इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है ना चलिए मार्जिनल यूटिलिटी करेक्ट सो चलिए ए एस ट्वेंटी फाइव शुरू कर रहे हैं और फिलहाल सिर्फ दो तीन मिनट का ब्रेक ज्यादा नहीं बस दो मिनट का ब्रेक ताकि मैं भी थोड़ी सांस ले लू तो मेरे लिए दो तीन मिनट का ब्रेक आप भी दो तीन मिनट का ब्रेक ले लो सांस लेने के लिए ऑल राइट चलिए अब बात करते हैं ए एस ट्वेंटी फाइव इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नया स्टैंडर्ड जुड़ा है सी इंटर में पहली बार सो ए एस ट्वेंटी फाइव इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुबह से जब मैं जब से जब, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको सब समझ में आ गया होगा कि सर जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले उसका एक छोटा सा छोटा सा इंट्रो दे रहे हैं तो इसका भी पहले इंट्रो सुन लो कि भाई ये है क्या इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है यार एज अ शेयर होल्डर मैं अगर पूरे साल भर वेट करूं कि हाँ जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो एक साल बाद पूरे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देगी तो यार तब तक तो बहुत देर हो जाएगी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए रेगुलर बेसिस पे दो चार महीने में मुझे चाहिए बार बार मैं कोई एक एक साल का वेट नहीं कर सकता हूं कि हाँ एक साल खत्म हुआ फिर मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि कंपनी का टर्नओवर कितना है कंपनी के असेट्स कितने हैं कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है नहीं नहीं भाई मुझे रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन चाहिए आजकल इंफॉर्मेशन को सही समय पर पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया इसीलिए फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आया मतलब एनुअल स्टेटमेंट्स तो अपनी जगह जो बनते हैं वो बनते हैं बट एज एन इन्वेस्टर मुझे हर तीन तीन महीने में रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन दो असेट्स की इंफॉर्मेशन दो मुझे बैलेंस शीट पेंडल हर तीन तीन महीने में बना के दो हां चलेगा ऐसे करना पड़ेगा यस yes. तो हर तीन तीन महीने में छ छ महीने में जब हम बैलेंस शीट पीडल बनाते हैं उसको कहा जाता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द वर्ड इंटरिम मींस अ पीरियड लेस देन एनुअल पीरियड इंटरिम पीरियड मतलब लेस देन एनुअल ट्वेल्व मंथ्स पीरियड और एनुअल पीरियड कितने महीने का होता है मिनिमम ट्वेल्व मंथ्स का तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जहां कंपनी अपना बैलेंस शीट पीडल इंट्रीम डेट्स पर बीच बीच में जनरेट कर रही है और यह कंपनीज को करना मैंडेटरी होता है तो यह आपको मैंने एक लॉजिक समझाया कि भाई जरूरत क्या है बैलेंस शीट तो बनाती है पीएन बनाती है फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर वन जैसे हमारे केस में हम मान के चल रहे क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर क्वार्टर वन जून एंडिंग क्वार्टर टू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च मान लो ऐसा है तो मुझे हर क्वार्टरली इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये मेरे इंटरम पीरियड हो गए तो आइए पढ़ते हैं कि सर ये आई एफ आर क्या है वॉट इज इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं फॉर अ पीरियड लेस देन मंथ पीरियड

एक्चुअली ना आई एफ आर बनाने की जो रिस्पॉसिबिलिटी होती है वो सेबी डालता है आपके ऊपर सेबी या फिर अलग अथॉरिटीज जो आपको बोल रही है कि आप बनाइए बोलता है मुझे से मत पूछो पूछेंटिटी कि को आई एफ आर बनाना है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज बताएंगी जिनके ऊपर कंपनी जिन जो कंपनीज फॉलो कर रही है मे बी आरबीआई मे बी सेबी आई आर डी ए वगैरा ठीक है और कितना फ्रीक्वेंटली आपको आई एफ आर बनाना है ये भी मुझसे मत पूछिए मतलब आपको क्वार्टरली बनाना है मंथली बनाना है सिक्स मंथली बनाना है चार चार महीने बनाना, तो बनाना, बनाना है दो दो महीने बनाना है क्वार्टरली बनाना है तो आप मेरे पास आओ मुझसे ये पूछो कि कैसे बनाना है मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या क्या मिनिमम डिस्कलोजर देने हैं मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे बनाना है कितने पीरियड का बनाना है मैं नहीं बताऊंगा

दूसरा कंड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट सेट यह इंपॉर्टेंट है तो इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो टाइप की होती है कंप्लीट कंडेन्सड कंप्लीट कंडेन्स्ड कंप्लीट मतलब जैसे तुम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो ना वैसे के वैसे सब कुछ वैसा एज इट इज जैसे तुम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो सेम टू सेम जो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त तुम्हें डिस्कलोजर देने पड़ते हैं जितने नोट्स वो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं सब वैसे ही बनाओ सब सेम टू सेम सेम एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवरिंग ऑल डिस्कलोजर एज पर ऑल एयर्स फॉलोइंग कंप्लीट शेड्यूल थ्री रिक्वायरमेंट सारा शेड्यूल थ्री फॉलो करो सारे एयर्स फॉलो करो सारे डिस्कलोजर दे दो सब कुछ दे दो आमतौर पर लोग ये वाला तरीका फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि लोग बोलते हैं एंटिटीज लोग बोलती है कि यार हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कंप्लीट बना के दे रहे हैं अब आप अगर हम क्वार्टरली भी इसी तरीके से बनाएंगे तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला टाइम बहुत लग जाएगा तो इसीलिए आई ऑलमोस्ट कंडेंस्ड बनाया जाता है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से थोड़ा सा अलग होता है और थोड़ा सा कंप्रेस्ड रहता है कंप्रेस मतलब समझते हो छोटा लाइक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे डिस्क्लोजर्स आ गए सब कुछ आ गया कंडेंस्ड के अंदर उस पर्टिकुलर क्वार्टर अगर तुम क्वार्टर वन का बना रहे हो तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर की इंपॉर्टेंट डिस्कलोजर सब कुछ देने की जरूरत नहीं है सारे डिस्कलोजर देने की जरूरत नहीं है क्या लिखा है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ मिनिमम डिस्कलोजर एंड कंटेंट कंसिडरिंग न्यू चेंजेस ड्यूरिंग द इंटरम पीरियड उस इंटरम पीरियड में कौन कौन से चेंजेस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हीं का डिस्कलोजर दो सब कुछ डिस्कलोज करने की जरूरत नहीं एग्जाम्पल जब कंपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो कंपनी अपनी सारी अकाउंटिंग पॉलिसी बताती है कि हम पीपी uh, का अकाउंट हमारा डेपोरेशन का ये मेथड है इन्वेंट्री का ये मेथड है का ये, वे, फलना, को ऐसे करते। के अंदर ये सब डालने की जरूरत नहीं कंटेंस में हम बोलते हैं भाई ये सब तो आपको पता है ना कि हम क्या कर रहे हैं जैसा हम एनुअल में कर रहे हैं वैसा हमने यहाँ किया है पर हमें अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं हम आपको वो सब चीजें बताएंगे जो इस पीरियड में इस क्वार्टर में कुछ नई चीजें घटनाएं घटित हुई हैं तो है। समझा इसको बोलते हैं शॉर्टकट अप्रोच आया समझ में क्लियर तो अगर आप आई एफ आर कंप्लीट सेट के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो एस ट्वेंटी फाइव के पास मत आओ फिर तो जैसे आप शेड्यूल थ्री फॉलो करते हो शेड्यूल थ्री के पास जाओ गो टू शेड्यूल थ्री अगर आप कंप्लीट सेट के हिसाब से बना रहे हो शेड्यूल थ्री के पास जाओ आप एस ट्वेंटी जब आप कंडेंस्ड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो सो व्हेन द प्रिपेयरिंग कंप्लीट सेट ऑफ़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर आईएफआर डू नॉट रिफर ए एस ट्वेंटी रिफर शेड्यूल थ्री कंप्लीट गाइडेंस बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग आई एफ आर एज पर कंडेंस सेट देस ट्वेंटी फाइव ठीक है चलिए अब तीसरा अब क्योंकि हम ए एस ट्वेंटी फाइव की बात कर रहे हैं मतलब हम कंडेंस्ड की बात कर रहे हैं हम कंप्लीट की बात नहीं कर रहे हैं कंडेंस्ड फॉर्म एंड कंटेंट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या क्या कंटेंट मिनिमम कंटेंट क्या क्या होना चाहिए मिन, और कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए तो यह बोलता है सेम हेडिंग सब हेडिंग टू बी यूज एज पर द मोस्ट रिसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट एनुअल फाइनेंशियल में में बैलेंस शीट जो जो हेडिंग तुमने यूज की थी जो जो सब हेडिंग यूज की थी पी एंडल जो जो की थी वही सेम सब हेडिंग 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 सब हेडिंग तुम यूज करोगे भले तुम कंडेंस्ड बना रहे हो पर तुम्हें मिनिमम कौन सी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी है वो मैं बता रहा हूं लास्ट बिल्कुल रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तुमने कौन से हेडिंग सब हेडिंग यूज किए थे तुम वही यूज करोगे सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट सब कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है सिलेक्टिव एक्सप्लेनेटरी नोट दोगे तुम सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन बताओगे एडिशनल लाइन आइटम्स एंड नोट इफ देर इज देयर ओमिशन में रिजल्ट इन द मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन वही नोट्स टू अकाउंट्स डालो वही नोट्स में इंफॉर्मेशन वही इंफॉर्मेशन डालो जिससे डिसीजन मेकिंग पर असर पड़ सकता है अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं गई तो लोगों को मिसलीड हो जाएगा लोग मिसलीड हो सकते हैं तो वही इंफॉर्मेशन दिखाओ जिससे लोग मिसलीड ना हो बेसिक और डायलूटेड अर्निंग पर शेयर तुम्हें दिखाना पड़ेगा तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या जो तुमने रीसेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया था उसमें जो भी तुमने बैलेंस शीट पे एंडल कैश फ्लो में हेडिंग सब हेडिंग यूज की थी तुम सेम हेडिंग सब हेडिंग अभी आई एफ आर में यूज करोगे एक्सप्लेनेशन तुम्हें देने हैं पर बहुत ही सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल नोट तुम्हें देने हैं वही विच इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड इंफॉर्मेशन या अगर तुमने उसको कर दिया, तो उससे मिसलीडिंग इंपैक्ट जा सकता है तो उसको तुम प्रोवाइड करोगे डायल्यूटेड अर्निंग परेशर और बेसिक अर्निंगशर की इन्फॉर्मेशन देनी है गाइजर शुडर नॉट बोलो जी समझ में आया कि नहीं इसमें दो मिनट दीजिए मुझे दो मिनट दीजिए हाँ, यस 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 जो मैं आपको कह रहा था कि सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपको देने हैं तो सर कौन से सिलेक्टिव सिर्फ ये सिर्फ ये बातें आपको सिलेक्टिव बेसिस पर देनी है तो आपको ये सिलेक्टिव नोट्स देने हैं इसको मैं चार्ट में ही डाल देता हूं तो जो ये अभी हमने पढ़ा ना कि भाई सिलेक्टिव एक्सप्लेनेटरी नोट्स उसमें क्या क्या आएगा सिलेक्टिव एक्सप्लेनेटरी नोट्स में क्या क्या आएगा स्टेटमेंट दैट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड इन द इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बस ये स्टेटमेंट देना है अगर आपने सचमुच में सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किए तो आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है एक लाइन में बता दो कि हम ना सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जो हमने मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फॉलो की थी अगर आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना तो उसमें ये उसमें ये वर्डिंग नहीं आती बाकायदा आती है कि हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है भले साला मैं पिछले पंद्रह साल से सेम कर रहा हूं तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है पूरा रामायण लिखना पड़ता है एनुअल में आपको इंटरम में रामायण लिखने की जरूरत नहीं है आप बस बता दो कि जो रामायण आपने पिछली बार किया था वो, वो सेम आपने अभी किया है ठीक है

वो सब आप बताओगे कोई आपके अगर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हुए वर्ड्स लिखे हुए बेटा हाईलाइटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं आप ध्यान दे दीजिएगा ठीक है चलिए यहां तक डन तो आते हैं वापस ये हो गए आपके एक्सप्लेनेटरी सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अब सर कौन सा पीरियड कितना पीरियड कवर करना पड़ता है कैसे कवर करना पड़ता है पीरियड फॉर विच इंट्रिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वाड टू बी प्रेजेंटेड ये तो मैंने आपको बता दिया कि आई एफ आर यह नहीं बताया था कि आपको क्वार्टरली बनाना है कि मंथली बनाना है कि हाफ ईयरली बनाना है आप जितना भी बनाओगे कैसे प्रेजेंट present करोगे प्रेजेंटेशन कैसे होगा जहां तक बैलेंस शीट की बात है तो सपोज आपका क्वार्टर टू है फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर टू है तो एंड ऑफ द करंट इंटरम पीरियड

और कंपेरेटिव के नाम पर तुम पिछले साल वाली बैलेंस शीट दोगे पूरे पिछले साल वाली लास्ट ईयर वाली ईयर वाली लास्ट ईयर वाली ये हो गया पहला सेकंड अब यहां से न पढ़ा के मैं यही से पढ़ा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अब ध्यान से देखो करंट पीरियड तुम क्या क्या दोगे क्वार्टर टू है तुम्हारा मतलब जुलाई टू सितंबर तो तुम करंट ईयर का जुलाई टू सितंबर दे दो जुलाई टू सितंबर तुम करंट पीरियड का दे दो का, और same, तुम में पिछला वाला दे दो जुलाई ट्वेंटी वन टू तो जुलाई ट्वेंटी टू टू सेन टू से साथ ही साथ तुम्हें एक वाई देना पड़ेगा वाई मतलब फुल फॉर्म क्या होता है वाई का ईयर टू डेट ईयर टू डेट वाई टी डी ईयर टू डेट मतलब बिगनिंग से लेकर अभी तक तो करंट पीरियड में वाई टी डी करंट पीरियड में कंपेरेटिव का भी वाई टी डी ईयर टू डेट मतलब अप्रैल से सितंबर अप्रैल से सितंबर 22 और 21 अगर तुम्हारा क्वार्टर थ्री हुआ तो बताओ क्वार्टर थ्री का वाई टी डी कितना होगा अप्रैल से दिसंबर अप्रैल से दिसंबर ऐसा ठीक है तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में तुम्हें सिर्फ वाई देना पड़ता है पेंडल की तरह इतना सब कुछ देने की जरूरत नहीं है सिर्फ वाई देना पड़ता है ओनली वाई ठीक है समझ गए गाइस तो इस तरीके से तुम्हें प्रेजेंटेशन करना है फिर आते हैं सीजनल ये इंपॉर्टेंट है फिर आते हैं सीजनल एंड ओकेशनल रेवेन्यू सीजनल एंड ओकेशनल रिवेन्यू यह इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टेंट है यह कह रहा है फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर टू तुम्हारा सीजनल है सीजन है अच्छा खासा पर क्वार्टर थ्री तुम्हारा सीजनल नहीं है क्वार्टर टू में तुम्हारा बहुत अच्छा सीजन है पर क्वार्टर थ्री तुम्हारा सीजन नहीं है ऐसा भी तो हो सकता है या क्वार्टर टू तुम्हारा सीजन नहीं है क्वार्टर थ्री तुम्हारा बहुत ज्यादा सीजन जाने वाला है नो डेफरमेंट और एंटिसिपेशन इज अलाउड जिस पीरियड में मिला उसी पीरियड में रिपोर्ट होगा मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा करंट क्वार्टर टू बहुत अच्छा होने वाला है पर क्वार्टर थ्री मेरा बहुत बेकार होने वाला है क्योंकि क्वार्टर में मेरा मोस्टली सीजन ही नहीं है ठीक है ना आई बड़ी बात समझ में नहीं तो यार मैं काम करूं जो क्वार्टर टू में मेरे को रेवेन्यू होने वाला है उसको मैं डेफर कर लेता हूं थोड़ा सा रेवेन्यू में क्वार्टर थ्री में दिखा देता हूं है वो टू का पर थ्री में दिखा देता हूं नहीं तुम तो ऐसा नहीं कर सकते उल्टा अभी मेरा सीजन ही नहीं है यार और क्वार्टर थ्री में मुझे सीजन आएगा उस टाइम में करोड़ की सेल होगी एक काम करता हूं हूं उसमें से करोड़ की सेल में अभी दिखा देता एंटिसिपेशन अलाउड नहीं है तो अगर तुम्हारा सीजनल ओकेशनल रेवेन्यू हो रहा है तो जिस पीरियड में हो रहा है उसी पीरियड में दिखाओगे ना तुम डेफर करोगे अगले पीरियड में ना तुम अगले पीरियड का पिछले पीरियड में एंटिसिपेट करोगे ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं तो तुम्हें रेवेन्यू को लेकर डेफरमेंट और एंटिसिपेशन अलाउड नहीं है रेवेन्यू को लेकर बोलो बेटा क्लियर पर एक्सपेंस को लेकर क्या बोला गया कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली मतलब एक्सपेंसेस रेवेन्यू को लेकर तो डेफरमेंट अलाउड नहीं है रेवेन्यू को लेकर तो डेफरमेंट अलाउड नहीं है एंटिसिपेशन अलाउड नहीं है क्या कॉस्ट को लेकर अलाउड है क्या वो भी कौन सी कॉस्ट जो अन ईवनली इनकर होती है सर ये अन ईवनली मतलब देखो खर्चे दो टाइप के होते हैं एक जो हर महीने रेगुलर होते हैं एवरी मंथ रेगुलर होते हैं एवरी मंथ रेगुलर एवरी मंथ कमीशन मे बी एवरी मंथ बिकॉज कमीशन इज ऑन सेल्स ट एवरी मंथ ठीक है बट देर आर समर्टन एक्सपेंसिस विच आर नॉट अकर ऑन रेगुलर बेसिस तो जो रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनईवनली हा कह सकते हो नॉन रिकरिंग जैसे बेड डेट क्या बेड डेट हर महीने होंगे हर महीने कितने कितने होंगे यह पता नहीं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नहीं प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स पूरे साल भर का आप ही दे दिया चलो प्रॉपर्टी टैक्स का एग्जाम्पल दे प्रॉपर्टी टैक्स

एंटीसिपेट और रेफर क्या एक्सपेंसिस को कर सकते हैं आइए इट कैन बी डिफर और एंटिसिपेट कर सकते हो इफ इट इज एप्रोप्रिएट टू डू सो मतलब फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ अट लाइबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी टैक्स मैंने आपको क्या बोला मैंने ये प्रॉपर्टी टैक्स आज दिया है क्या मुझे इसका बेनिफिट सिर्फ क्वार्टर टू में मिल रहा है या मुझे इसका बेनिफिट क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के क्वार्टर वन में मिलेगा नेक्स्ट हाँ ईयर के क्वार्टर तो मतलब की, की तो मुझे इसका बेनिफिट ऑफ टाइम होगा असेट की डेफिनेशन जितना प्रॉपर्टी टैक्स दिया है उसको टू में मैं सिर्फ क्वार्टर टू का दिखाऊंगा बाकी मैं एडवांस दिखा दूंगा

बोनस मैं हर दिवाली पे बोनस देता हूं अपने इंप्लॉयज को और दिवाली कब आती है नवंबर के टाइम पे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे अक्टूबर नवंबर मतलब थर्ड क्वार्टर आज मैं खड़ा हूं फर्स्ट क्वार्टर पे मुझे पता है कि थर्ड क्वार्टर में मैं एक बोनस देने वाला हूं ठीक है ना थर्ड क्वार्टर में बोनस देने वाला हूं और बोनस देना जरूरी है उसका बेनिफिट मुझे पूरे साल मिलता है एक्चुअली पूरे साल मिलता है उसका बेनिफिट मुझे इंप्लॉइज को बोनस देना बहुत जरूरी है

तो क्या एक्सपेंसेस को एंटिसिपेट और डेफर कर सकते हैं जो आने है यस, इफ इट इज एप्रोप्रिएट टू डू सो दैट मींस इफ इट इज फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ एंड लाइबिलिटी पर रेवेन्यू सीजनल और ऑकेशनल रेवेन्यू को नहीं कर सकते बेटा समझ आया कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये वाले फिर क्या है इंपॉर्टेंट नोट इंपॉर्टेंट नोट आइए इंट्रिम फाइनेंशियल रिजल्ट 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 हमारे ए एस का नाम क्या है रिपोर्ट इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट अलग होता है और इंटरम फाइनेंशियल रिजल्ट अलग होता है एमसीक्यू में आ सकता है एमसीक्यू में आ सकता है एज पर क्लॉज फोर्टी वन ऑफ सेबी लिस्टिंग एग्रीमेंट इज नॉट इंट्रिम फाइनेंशियल रिपोर्ट एज पर ट्वेंटी फाइव तो इंट्रीम फाइनेंशियल रिजल्ट जो आप सेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हो वो आपका इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं होता बस ध्यान याद रख लो कुछ खास नहीं है चेंज इन एस्टिमेट फ्रॉम वन इंटरम पीरियड टू तो अनदर इज जस्टिफाइड एंड अलाउड इफ इट इज एस पर एनी एस नेचर एंड अमाउंट ऑफ सच चेंज शुड बी डिस्कलोज इन द दिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट अगर आप पिछले क्वार्टर में आपका एस्टिमेट कुछ और था और अभी आपका एस्टिमेट चेंज हो गया तो कोई बात नहीं आप उसका प्रॉपर डिस्कलोजर दे दो करंट पीरियड में नेचुरल कितना -कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स कितना क्वार्टर टू का टैक्स कितना क्वार्टर थ्री का टैक्स कितना कैसे करें अगर मान लीजिए आज मैं क्वार्टर टू पे खड़ा हूं तो क्वार्टर टू में मैं टैक्स एक्सपेंस कितना लिखूं चलो क्वार्टर वन की तो मुझे एक्चुअल इंफॉर्मेशन है क्वार्टर टू की भी है पर थ्री और फोर तो अभी आए नहीं है तो क्या करना पड़ेगा मुझे क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर को एस्टिमेट करना पड़ेगा उनकी एस्टिमेटेड इनकम देखनी पड़ेगी फिर मैं पूरे साल भर का टैक्स निकालूंगा और साल भर के टैक्स को मैं चारों क्वार्टर में अलोकेट करूंगा उनकी इनकम के अकॉर्डिंग ये करना है सर इसका एक क्वेश्चन करवा देना हाँ बिल्कुल मैं इसका क्वेश्चन करवा दूंगा तो क्या करना है इट शुड बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द एनुअल कैलकुलेशन आपको वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालना है टोटल एस्टिमेटेड टैक्स ऑन टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड इनकम आपका निकल गया टैक्स अब जैसे ही आपका टैक्स रेट निकल गया उस टैक्स रेट को आप हर क्वार्टर की इनकम से मल्टीप्लाई करो सीधा समझ में आया मैं आपको करवाता हूं एक क्वेश्चन मास्टर प्रॉब्लम में से फोर्टी एट I 48. Question number 56. An enterprise reports quarterly estimates an annual income of 10 lakhs. Assume tax rate on the first 5 lakh rupees is 30% and the balance income 40%. The estimated quarterly income are 75, 250, 375, 3 lakh. Total current 75, 250, 375. और थ्री लाख हाँ टोटल मिला के टेन कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन ईच क्वार्टर तो वो क्या बोल रहा है स्लैब क्या है फर्स्ट फाइव लाख के ऊपर थर्टी परसेंट एंड नेक्स्ट रिमेनिंग के ऊपर तो का थर्टी एंड फाइव लाख का फोर्टी करो टैक्स कितना आ रहा है फाइव लाख का थर्टी फाइव लाख का फोर्टी हो गया थ्री फिफ्टी अब आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालो थ्री फिफ्टी डिटी फाइव परसेंट आप एक काम करो हर साल की हर क्वार्टरली इनकम पर थर्टी फाइव थर्टी फाइव लगाओ सेवेंटी फाइव का सेवेंटी फाइव थाउजेंड का थर्टी फाइव परसेंट टू फिफ्टी का थर्टी फाइव परसेंट थ्री सेवेंटी फाइव का थर्टी फाइव परसेंट थ्री लैख का थर्टी परसेंट आया कुछ समझ में आया कुछ समझ में बताओ बताओ जी आया कुछ समझ में ठीक है इस तरीके से आपको करना है दूसरा तरीका बताऊं एक और तरीका सुनो देखिए क्वेश्चन तो अलग अलग टाइप के आएंगे ना तो एक ये रहेगा क्वार्टर वन एक्चुअल क्वार्टर टू एक्चुअल ये करंट ये करंट क्वार्टर है यहां की इनकम है फाइव लाख यहां की इनकम है थ्री लाख एस्टिमेटेड क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर आपका ये आ गया फोर लाख और ये आएगा सेवन लाख ऐसा बोलेगा वो ठीक है ऐसा बोलेगा वो फिर पीजीबीपी का रेट पच्चीस परसेंट कैपिटल गेन का टैक्स रेट पंद्रह परसेंट अमान लो इसमें है इंक्लूड्स कैपिटल गेन फिफ्टी थाउजेंड और इसमें इनक्लूड्स वन लैख कैपिटल गेन कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों आपको सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं यह इनकम्स है इसके अंदर सी जी कैपिटल इनकम है और फोर्थ में मुझे लग रहा है कि कैपिटल का इनकम है और दोनों का रेट अलग अलग है तो मैं क्या करने वाला हूं कैलकुलेट एन्युअल एस्टिमेटेड टैक्स फर्स्ट कैलकुलेट एनुअल एस्टिमेटेड टैक्स फर्स्ट अच्छा एक सेकेंड ये मान लो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन फर्स्ट फाइव लैक्स एंड थर्टी परसेंट ऑन नेक्स्ट तो चलो बताओ आपकी पीजीबीपी PGBP इनकम कितनी है क्यू वन फाइव क्यू टू टू पॉइंट फाइव क्योंकि फिफ्टी तो आपका कैपिटल क्या है ना क्यू थ्री क्यू थ्री फोर और क्यू फोर सेवन में से वन गया सिक्स करो टेन फिफ्टीन सेवेंटीन फिफ्टी अब आप टैक्स निकालो फर्स्ट फाइव लैख पर पच्चीस परसेंट नेक्स्ट पर थर्टी परसेंट करो वन ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री सेवेंटी फाइव पीजीबीपी टैक्स आई थिंक फाइव लैख ठीक है अब निकालो वेटेड एवरेज टैक्स रेट पीजीबीपी पी का फाइव लैख सेवेंटीन फिफ्टी इंटू हंड्रेड कितना आ गया ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन अब करो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर टैक्स पहला आ जाएगा पी दूसरा आएगा कैपिटल गेन हां जी फाइव लाख फाइव लाख का ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन परसेंट बताइए वन फोर टू एट फाइव जीरो सेकेंड थ्री माइनस पचास टू फिफ्टी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन सेवन वन फोर टू फाइव थर्ड क्वार्टर फोर लैख कितना वन वन फोर टू वन वन फोर टू एट जीरो एंड लास्ट क्वार्टर सेवन लैख सेवन में से वन लैख का सीझी गया सिक्स लैख ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेवन वन सेवेंटी वन फोर टू जीरो प्लस कैपिटल गेन कैपिटल गेन टैक्स जीरो जीरो और फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टी थाउजेंड का पंद्रह परसेंट सेवेंटी फाइव हंड्रेड क्वार्टर थ्री जीरो और वन लाख का पंद्रह परसेंट फिफ्टीन थाउजेंड तो टोटल टैक्स आ गया वन फोर टू एट फाइव जीरो वन फोर फोर टू एट जीरो सेवन एट नाइन टू फाइव हम्म hmm. और लास्ट वाला वन एटी सिक्स फोर टू जीरो इस तरीके से निकलते आया समझ में ठीक है सो दिस इज द वे यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेस दैट्स इट हो गया आपका ए एस ट्वेंटी फाइव कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन देख लेते हैं अंतर भारती लिमिटेड रिपोर्टेड प्रॉफिटमेंट डिविडेंड इनकम ऑफ फोर लैक रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर बीन रिकॉगनाइज टू द एक्सटेंट ऑफ वन लैक ओनली आपको मिला चार लाख पर आपने सिर्फ वन लैख रिकॉर्ड किया मतलब आप डेफर कर रहे हो इनकम uh, डेफर नहीं हो सकती बेटा देखो नीचे इनकम डेफर नहीं हो सकती भाई आपको तीन लाख और दिखानी पड़ेगी आपको तीन लाख और दिखानी पड़ेगी गलत इनकम यू कैन नॉट डेफर आया मेरी बात समझ में कि नहीं तो ये क्या बोल रहा है देखिए यहां पर सीजनल ओकेशनल रेवेन्यूज एंड कॉस्ट विद विदन फाइनशियलियर शुड नॉट बी डिफर्ड एज ऑफ डेट अंटिल इट इज अप्रोप्रेट टू डू टू टू डिफर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डिवर इनकम एक्सट्रॉनरी गेन गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर शुड बी रिकॉन्नाइज इन थर्ड क्वार्टर ओनली ठीक है तो तीन लाख आप वन लाख ऑलरेडी ले चुके हो एक लाख थ्री लाख और ले लोगे चलो एट्टी परसेंट ऑफ द सेल प्रमोशन एक्सपेंस फिफ्टीन लैख इन दर्ड क्वार्टर हैज बीन टू द फोर्थ क्वार्टर एज द सेल इन द लास्ट क्वार्टर इज हाई अरे यार, यार ये क्या तरीका है आप डेफर तब करो जब वो असेट की डेफिनेशन में फुलफिल हो अदरवाइज थोड़ी करोगे फिफ्टीन लाख का एट्टी परसेंट बारह लाख रुपए ये तरीका हुआ भाई सही बात है कृतिका बोल रही है कोई तरीका हुआ भला आप अगर लग रहा है कि हाँ भाई, सेल प्रमोशन एक्सपेंस से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा आएगा कैसे बोल सकते हो नहीं 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 अभी माइनस कर लो ट्वेल्व बोलो 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 ट्वेल्व माइनस करो चलो 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 इन थर्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर चल रहा है कंपनी चेंज डेपरेशन मेथड फ्रॉम डब्ल्यू डीवी टू एस एल एम विध रिजल्टेड इन ऑफ बारह लाख द अमाउंट थर्ड क्वार्टर हाँ चलेगा सही है बिकॉज़ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट का इफेक्ट आपको दिखाना पड़ेगा सिर्फ अलग से आप उसका डेप्रेशन का मेथड चेंज किया था उसका इंपैक्ट सही है तो डेप्रेशन है सर uh, एक बात बताओ हम सिर्फ टेबल बना के आए हमने ये नहीं लिखा तो चलेगा नहीं बेटा आधे मार्क्स मिलेंगे आपके चार मार्क्स का है, दो मार्क्स मिलेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा रुपीजरी गेन अभी अभी तो आपके सेम आते हैं सीजनल, सीजनल, नहीं, 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 गलत कर दिया आपने फोर्थ में ले गए तो वन लैख को वापस से ऐड करो वन लैख को ऐड करो ये लो वन लैख को ऐड करो क्या तरीका है ये

सर इसका मतलब वापस से समझा दो लास्ट क्वार्टर टू का लॉस डेफर करके क्वार्टर थ्री में ले आए गलत है ना बेटा डेफर कब करोगे जब उसका तुम्हें बेनिफिट देखे लॉसेस को तुम डेफर क्यों कर रहे हो लॉसेस का कोई तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता ठीक है गलत

ठीक है आया समझ में बेटा बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है हालांकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर मैं आपको बोलूं ये वाला आपको क्वेश्चन का आंसर के साथ आपको रिस्पेक्टिव आंसर का भी ध्यान रखना है डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा ध्यान ठीक है गाइस बाकी आप निपटा लेना प्लीज ठीक है ना बाकी पॉइंट्स आप निपटा लेना इसी के साथ हम आज कह सकते हैं कि हमारे चार टॉपिक्स हो गए हमारे हमने आज चार टॉपिक्स को कवर किया कौन कौन से चार टॉपिक्स को कवर किया हमने AS 22 को कवर किया 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 हमने 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 को 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 कवर कवर कि ये चार हमारे कवर हुए आई होप आप सबको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा बाकी ब्रांच कोऑर्डिनेटर्स को तो आप बता ही दोगे ओवर टू ओवर टू अनुराग जी एंड एवरीवन एल्स थैंक यू सर आगे। आगे। अरे सोनाली मैडम भी है यहीं पर हेलो गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सोनाली क्या हाल है मैं ठीक हूं थोड़ा बताओ एकदम बढ़िया यस yes. सो so, आज का सेशन हमारा हम यहीं पर ओवर uh, कर सकते हैं बट मैंने जैसा बोला आप लोगों को कि अगर आप लोग चाहो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट करवा के तो हम कल शाम का भी एक सेशन रख सकते हैं जिसमें हम दो-तीन टॉपिक और कंप्लीट कर लेंगे चलो सर हम आपसे आज लाइक वेदन वन आवर आपसे कोऑर्डिनेट करके देन वी लेट द नो द लाइक वी टेल द स्टूडेंट्स अबाउट टुमारो शॉर्ट शॉर्ट बिल्कुल बिल्कुल और जो भी मैंने आज ये लिखवाया है ना ये वाला ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सो so आप लोग बच्चों को ये चीज प्रोवाइड कर दीजिएगा ओके श्योर सर चलिए ओवर टू यू यस सर ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स Chartered Accountants Students Association. We uh, would like to express a sincere appreciation to esteemed speaker, Sir Chabla Sir, for his valuable time and sharing his knowledge and guidance over how to overcome this Q and A. Like uh, have uh, Sir told you that you have to prepare for the Q &A yourself, and you have to try. Like Sir, ke notes you have very advanced. Bana dihe, sir, every question you will You can scan and learn how to do the sums. For CA Intermediate uh, Advanced Accounting for the May 24 attempt onwards. Your lessons and motivations will surely bring a change in the students and preparations and will help them get closer. Special thanks to the entire CASA communities for the moderators and support staffs and dedication and hard work behind the scenes have made this event possible and conducted smoothly. Thank you so much to the students who are attending this live and we hope that all attend the sessions live so that your time is already blocked and the remaining for the remaining part you can do as per your study. So thank you so much, sir. ready. Ho. <laughs> 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 thank you so much guys. Uh, thank you so much entire Casa branches and Casa community members. और ऐसे सेशन आप लोग करते रहा करो यार बच्चों के लिए इस बहाने क्या है कि ना बच्चों का एक ही दिन में बहुत सारा कंटेंट हो जाता है क्योंकि तो ये जो आप लोग का जो इनिशिएटिव है ना मैं सच बता रहा हूँ ये इनिशिएटिव ना सिर्फ आप ही लोग कर सकते हो

बिल्कुल थैंक यू थैंक यू सर सेशन बहुत अच्छा रहा इसी तरह सर हमारे रखिए सारे बच्चों पर, पर भी जरूर ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर अपकमिंग एग्जाम्स थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक बाय बाय थैंक यू सोनाली थैंक यू ऑल ऑफ यू